हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम एक न्यू सेटअप पे आ रखे हैं यहाँ पर। तो आज हम यहाँ पर अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जितने भी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो रोन्सकियन मेथड हो, चाहे वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कुछ भी क्लियर आउट्स मेथड हो, कुछ भी, वो सारा का सारा एक सिंगल लेक्चर में कवर करने वाले हैं। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ मंजिल सीरीज। मतलब जो भी जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था, अगर तुमने बाकी लेक्चर्स चेक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होने वाला है। फर्स्ट लिंक जो तुम्हें मिलेगा वो मिलने वाला है मंजिल सीरीज की प्लेलिस्ट का, तो वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट है विद क्वेश्चंस। सो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन काफी ज्यादा इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये तो यार लगभग फ्री के मार्क्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में ना कुछ बातें जानने वाली हैं, जो कि मैं एक पेज पर सारी बातें लिख के लाऊं ताकि मैं कोई भूल ना जाऊं। जैसे एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या फर्क है भैया? इन दोनों में फर्क ये है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही वेरिएबल होता है उसमें, मतलब एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल, बस इतना ही है। लेट अस से वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बस इतना ही। अगर किसी इक्वेशन में y एज अ फंक्शन ऑफ x हो, या फिर y प्राइम का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो, या डबल डेरिवेटिव हो, या सिंगल डेरिवेटिव हो, वो सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लेकिन अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वो इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पे हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, बाकी को कांस्टेंट रख के। ये क्या बोल दिया भैया आपने? अरे बताएंगे ना यार, धीरे धीरे बताएंगे ना, सारा कुछ बता दें तुम्हें स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जिसे कहते हैं ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर डिग्री तो यार तुमने पहले भी पढ़ी होगी 12th क्लास में। ऑर्डर और डिग्री में क्या फर्क होता है? ऑर्डर होता है कितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, याद रखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसे लिख दो। और भैया डिग्री क्या होता है? डिग्री इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव की तुम्हें पावर दिख रही होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। बस इतनी सी बात थी, ठीक है, बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुम्हें जनरल फॉर्म लिख के दिखाऊं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसकी जनरल फॉर्म में लिख के दिखाने वाला हूं, विच इज एफ ऑफ एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है उसमें, डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, अप टू सोन इक्वल टू जीरो। इस टाइप की इक्वेशन तुम्हें देखने को मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन में। आई होप कि क्लियर हो रही हूं चीजें, ठीक है, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? लीनियर का मतलब डिग्री कितनी होगी? वन होगी। डिग्री कितनी होगी? वन होगी, मतलब ऐसा कुछ डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, आगे कोई फॉर एग्जाम्पल एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेट अस से पी ऑफ एन, पी एन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस में अप टू सोन वाई ऑफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसी कुछ अगर तुम्हें इक्वेशन देखने को मिल जाए उसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं और वाई की पावर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है, बढ़िया। और ये एक्स की फंक्शन है, वाई के फंक्शन नहीं है पी एन, मतलब ये जो पी वन पी टू पी थ्री पी अप टू सोन होने वाले हैं सिर्फ एक्स के फंक्शन होने वाले हैं। सोचो अगर ये भी वाई का फंक्शन हो गया, तो अगर ये भी y का फंक्शन हो गया तो यहां भी y, बात नहीं बनेगी उसमें, x के फंक्शन होने चाहिए, ये ध्यान रखना बस तुम। अगर मान लो सॉरी मैंने यहां पर ना जीरो लिख दिया, यहां q आयो, दिस इज q, यहां पे भी कोई q आयो। एक चीज ध्यान रखो, अगर मान लो ये q जीरो हो गया, इफ q इज इक्वल टू जीरो देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, इफ q इज इक्वल टू जीरो देन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है यार, इसलिए मैं थोड़ा टाइम निकाल के आराम से आया हूं, तो ध्यान से करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस आर, ठीक, क्वेश्चन करते हैं, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स
सर्कल्स ऑफ रेडियस आर। बढ़िया यार, इसमें तो जगह ज्यादा मिल रही है ना, सही है। और जो पहली बार वीडियो देख रहा होगा वो सोच रहा होगा भैया अलग ही मजे ले रहे हैं ना बोर्ड के। अरे एक्चुअल में क्या है, मेरा बोर्ड ना इतना लिख पाता था मैं, जो पिछले वाली वीडियो देखोगे तो, आज थोड़ा ज्यादा लिख पा रहे हैं तो ज्यादा खुशी हो रही है। ऐसा नहीं है उसमें खुशी नहीं होती थी यार, वो तो पर्सनल चीज है, पर्सनल फेवरेट चीज है। अभी देखना अगली वीडियो, फिर मैं उस पर आ जाऊंगा। चलो बहुत सारा मजाक हो गया है, अब आ जाओ। x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो भैया हमें पता था, ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल के बाद अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं करूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस ए प्लस टू टाइम्स वाई माइनस बी। अभी y की दोबारा करनी पड़ेगी तो dy by dx इक्वल टू जीरो, r तो कॉन्स्टेंट है। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कॉन्स्टेंट नहीं आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक कॉन्स्टेंट हमने उड़ा दिया है, दूसरा कॉन्स्टेंट भी, ये जो दो है ये भी उड़ाने पड़ेंगे, ठीक है। बढ़िया, एक काम करते हैं ना, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एक और बार करूंगा तो इसकी क्या हो जाएगी, टू टू तो वैसे कॉमन ही आ रहा है ना, टू कॉमन आके चला जाएगा, वन एक्स की वन हो जाएगी, ए की जीरो, और इसका बच जाएगा वाई माइनस बी ऐसे ही, इसका सेकेंड डेरिवेटिव और प्लस में dy by dx ऐसे ही, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी dy by dx, तो ये बन जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर। मेरे को पता है यहां पे दिक्कत आ सकती है, वीडियो को पॉज करके यहीं पे सोच लेना। b की 0 y की dy by dx, बढ़िया। यहां से मैं निकालने वाला हूं वैल्यू ऑफ y माइनस बी, तो y माइनस बी हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा dy by dx होल स्क्वायर माइनस वन, ठीक तो है। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी डी एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दो तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यार ये नोटेशन बड़ी गंदे लगते हैं यार मेरे को, मतलब क्या बार बार लिखते रहो। इसको मैं वाई डैश लिख सकता हूं, इसको मैं वाई डबल डैश लिख सकता हूं, ईजी रह जाएगा यार, ठीक है। तो वाई डैश का स्क्वायर माइनस वन वाई डबल डैश, अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, एग्जाम में भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। वाई माइनस बी ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू यहां पे डाल देते हैं तो x माइनस ए आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा, y माइनस बी आ जाएगा, दैट इज इट, यही तो चाहिए बस हमें, ठीक है भैया। बढ़िया, x माइनस ए की भी वैल्यू निकाल लो और हमारा काम हो जाएगा, है जगह अभी अपने पास। यहां से आ जाएगा x माइनस ए, y माइनस बी की जगह रख दो ये, अरे टू तो कॉमन लेके जीरो हो चुका था यार, y डबल डैश dy by dx, dy by dx का मतलब होता है y डैश इक्वल टू जीरो। यहां से x माइनस ए की जो वैल्यू मेरे को आती दिखाई दे रही है वो है x माइनस ए इज इक्वल टू वन माइनस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश इंटू में y डैश। x माइनस ए की वैल्यू आ गई, y माइनस बी की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज को उठा लो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो बस ये हो जाएगा 1 माइनस y डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश इंटू y डैश होल स्क्वायर, और y माइनस बी का क्या आ जाएगा, y माइनस बी आ जाएगा y डैश का स्क्वायर माइनस वन अपॉन y डबल डैश होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। अब हमने दोनों एलिमिनेट कर दिया कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लेना, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास आता है, ये तो मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया, भैया कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं नेक्स्ट, ठीक है। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, पढ़ा होगा तुमने कभी, जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ी है वो आए हो यहाँ पे तो उन्हें पता होगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, काफी सारे सॉल्यूशन होते हैं ना, तो वो बता दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास, पहले तो बताओ सॉल्यूशन होता क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या, मतलब कहने का है एक ऐसी y की वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए उसे सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन दे देता तो देख के तुम घबरा जाते, भैया ये क्या,
ऐसी क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ जाए और तुम एक ऐसा वाई सोच सको जो इसको पूरी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाए, दैट वाई इज कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बढ़िया भैया, जैसे एक वाई तुम यहां से निकाल सकते हो ना, एक्स माइनस ए को इधर ले जाओ और फिर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दो, बी को इधर ले जाकर पॉजिटिव, वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ पाए? हाँ भैया समझ गए। ऐसे ही सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने होते डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो ऐसे वाई फाइंड आउट करने होते जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जिनके लिए बहुत सारे मेथड्स आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने वाले हैं, कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट्स। सेकंड है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आने वाले, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, इनिशियल कंडीशंस, जिसका शायद तुम्हें बहुत देर से इंतजार होगा। इनिशियल कंडीशन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनिशियल कंडीशन ऐसे कुछ दी होती है y जीरो इक्वल टू वन टाइप की, फिर हम उससे कांस्टेंट एलिमिनेट करते हैं, तो जितने कांस्टेंट उतनी कंडीशन लगानी होती है हमें, और मतलब उतनी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं लिख लो। थर्ड हमारे पास आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब भैया ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, डज नॉट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो भैया वही तो होते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें भी कौन सा आ रहा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट? नहीं, बट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन से आते हैं ना, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन से डिराइव नहीं कर सकते। आ रही है ना वीडियो? हाँ आ रही है, समझ गए? तो ये है हमारे पास। बढ़िया, तो तीन टाइप के हम सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली इक्वेशन तुम्हारे सामने आ रही है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। मैं हर चीज का तुम्हें सॉल्यूशन लिखना सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखते रहना एकदम फोकस के साथ, ठीक है? बढ़िया, मैं थोड़ी जगह बना लूं, उसके बाद करते हैं। चल आ जा। तो हमारे पास कुछ ऐसी दिखने वाली इक्वेशन होगी, dy by dx इक्वल टू f ऑफ xy। ऐसी अगर तुम्हें कोई चीज दिख जाए उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर भी कितना है इसका, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर। कितनी डिग्री है इसकी, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ये क्या लिख दिया भैया आपने? कुछ नहीं, सेम ही है। दो तरह से लिख सकते हैं इन टाइप की इक्वेशन को, ठीक है? बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आने वाला है स्टैंडर्ड मेथड्स टू सॉल्व दीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास इन टोटल सात मेथड्स होते हैं, साथ के साथ तुम्हें डिस्कस करवाने वाला हूं। तो पहला मेथड हमारे पास है, मतलब सात डिफरेंट टाइप की इक्वेशन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं इनमें भी, मतलब इसकी ही आगे फर्दर कैटेगरीज है, सात टाइप, सात की सात हमें देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये तो तुमने बचपन में भी किया होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये तो तुमने पहले भी किया होगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है? ऐसा कुछ है, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर जो फंक्शन है ना, जो एफ ऑफ एक्स वाई होगा, वो कुछ ऐसा होगा जिसके तुम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई, मतलब तुम एक्स और वाई को अलग अलग इजिली कर पाओगे। अगर तुम इजिली अलग अलग कर पाओगे तो ये बन जाएगा डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच ऑफ वाई डी एक्स, सॉरी जी एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एक्स, ऐसी कुछ इक्वेशन तुम्हें दिखने वाली है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स और आंसर आ जाता है, तो ऐसी इक्वेशंस भी तुम्हें देखने को मिल सकती है। दूसरा हमारे पास आ सकता है रिड्यूसेबल। यार ये वाले तो तुमने बहुत बार कर लिए होंगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड पे, फिर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आ जाता है यहां पे, है ना, ये वाली इक्वेशन होती है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अभी मैं क्वेश्चंस कंबाइन कराऊंगा, ठीक है? रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये हमारे पास क्या होगा, मान लो तुम्हें कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है डीवाई बाई डी एक्स
कुछ इस टाइप की दे रखी है, ax प्लस by प्लस c, ऐसा कुछ तुम्हें इज इक्वल टू में फंक्शन दे रखा है। अब तुम्हें इसे रिड्यूस करना, क्या करोगे, तो एक काम करो, ये जो भी अंदर फंक्शन ऐसा टाइप का दे रखा है, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, उसको z मान लो। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करो, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस b dy by dx, c का तो जीरो ही हो जाएगा, तो dz by dx, समझ पाए। dy by dx की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना यार, तो ये बन जाएगा dy by dx की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख पाएंगे, 1 by b dz by dx minus k a, and that will be the final form। अब इसको तुम रिड्यूस भी कर सकते हो, इसको dy by dx को यहां डाल दो, तो इजी सी इक्वेशन बन गई, ये बन जाएगी 1 by b dz by dx माइनस ए इक्वल टू, अच्छा लीनियर फंक्शन कैसा भी हो सकता है, ए बी सी, अब इनमें से कोई भी कोफिशियंट जीरो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कितना आ जाएगा dz by dx माइनस ए इक्वल टू f ऑफ z, अब वो कर लो इसको, वेरिएबल सेपरेबल लगा लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, b को इधर भेज दो, b इधर भेजोगे तो b ऑफ fz और a इधर आके पॉजिटिव, इस पूरी चीज को नीचे ले आओ, तो dz अपॉन में बी एफ जेड प्लस ए इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो, आंसर आ चुका है, खत्म, इतने इजी है क्वेश्चन। अच्छा एंड में जाते जाते जब तुम एंड का फाइनल आंसर निकाल दोगे, रिप्लेस जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बस ये कर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तीन ही स्टेप है यार इसमें, रिप्लेस करना है इसको जेड से, डिफरेंशिएशन करना है, तीसरा रिप्लेस करना, खत्म, इतना ही था, टाटा बाय बाय, हो गया। उसके बाद है होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना, होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब क्या कहने का भैया आपका, अगर मान लो हमें कोई f ऑफ एक्स वाई दे रखा है और मैं वहां से x की पावर n कॉमन ले लूं, तो वो कुछ ऐसी फंक्शन बन जाएगा, ऐसा फंक्शन बन जाएगा f ऑफ y बाय x टाइप का। नहीं भैया समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं तुम्हें बताता हूँ, घबराया ना करो मेरे साथ रह के, चीजें बना लेंगे, समझ लेंगे। f ऑफ kx ky अगर मैं कर दूं और k को कॉमन ले लूं, तो ऐसा कुछ बचना चाहिए f of x y, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। अभी समझ में आएगा, अभी एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मेरे को एक फंक्शन दिखाई दे रहा है f of x y, x की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर y क्यूब x प्लस x क्यूब y, मान लो ये है, दिख रहा है क्या ये नीचे, हाँ दिख रहा है, तो ये हमारे पास मान लो। अब क्या करें भैया इसमें, इसमें अगर मैं f को सॉरी x को kx और y को ky पुट कर दूं और सबको रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा, लेट अस सी। अगर सब में से k कॉमन आ गया तो होमोजीनियस है, अगर अगर अंदर k फंस गया तो वो नॉन होमोजीनियस है। तो देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा kx की पावर 4 प्लस kx स्क्वायर ky स्क्वायर, वैसे तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि कॉमन आ रहा है, kx प्लस kx क्यूब के वाई, सारी इक्वेशन में से देखो के की पावर 4 कॉमन आ रही है और वापिस हमें वही वाला फंक्शन मिल रहा है एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। और इसके अगर तुम्हें डिग्री देखनी हो तो के की पावर देख लो, कितनी है के की पावर 4, आई होप कि ये लास्ट वाला दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, मैंने लिखा था के की पावर 4 एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 4 डिग्री, ठीक है, इसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ऐसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप के, dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ xy अपॉन में phi ऑफ xy। होमोजीनियस का मतलब है भैया डिग्री सेम होनी चाहिए, देखो इसकी कंबाइंड डिग्री, मतलब इसकी डिग्री 4 है, इसकी कंबाइंड 4 है, इसकी कंबाइंड 4 है, इसकी कंबाइंड 4 है, कंबाइंड 4 4 नहीं मतलब सेम होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई क्या, ये जो दो तुम्हें फंक्शन दिख रहे हैं ना f ऑफ एक्स वाई, फाई ऑफ एक्स वाई, फंक्शन कुछ भी हो बस डिग्री सेम होनी चाहिए,
एफ एंड फाई आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई हैविंग सेम डिग्री. बस डिग्री सेम होनी चाहिए, सेम डिग्री, डिग्री सेम हो, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है. तो भैया ये वाला हमारे पास हो सकता है. बढ़िया, बहुत अच्छे. इसमें क्या करें भैया, अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए तो देखो अभी मैं मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं सारे के सारे, अभी क्वेश्चंस भी आएंगे, घबराना नहीं है. इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, y को रिप्लेस करना होता है vx से, और dy / dx अगर हम कर दें तो ये बनेगा v ऐसे ही x की 1 प्लस में x ऐसे ही v की dv / dx. समझ रहे हो, dy / dx और y हमारे पास आ गया, इस इक्वेशन में डाल दो, दैट इज इट. एंड में हमें v को किससे रिप्लेस करना होगा, लास्ट में एट एंड, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ. एट द एंड तुम्हें क्या करना है, v को रिप्लेस करना है y बाय x से, एंड दैट इज इट, खत्म हो जाएगा. बात समझ पा रहे हो, पक्का? ठीक, ये हमारे पास था, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. नेक्स्ट हमारे पास एक मेरे को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसी टाइप का, तो मैं ये करा देता हूं. तो मैं क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, एक ये क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा है कि वैसे मैंने इससे पहले एक लेक्चर वन शॉट बना रखा था, तो तुम उसको देख लेना, वो ज्यादा इन मेथड से ज्यादा डिटेल में होगा. ठीक है, ये तो मेथड में एक ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूं, बट वो पिछली वीडियो जो थी हमारे पास उसे अच्छी तरह देख लेना. ठीक है, ये बेसिक वाले जो क्वेश्चन है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये सारी चीजें जो है ना, मैंने उसमें ज्यादा डिटेल में करा रखी. इसमें मैं थोड़ा मेथड बता के छोड़ रहा हूं, तो वो लेक्चर तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगा. मैं इसीलिए कह रहा हूं मंजिल सीरीज फॉलो कर लो, मतलब मंजिल सीरीज की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, तो तुम्हें चीजें क्लियर होती जाएंगी. ठीक है, मैं एक बार याद दिला देता हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं. एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है. पहले तो इसे थोड़ा सही कर लेते हैं. डिग्री तीन है क्या? हाँ, यहां भी तीन, यहां भी तीन. तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालू तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. वाई को किससे रिप्लेस करना है? वी एक्स से. तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू वी एक्स, ये आ जाएगा डी वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, रट लो इसे, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स डाल दो यहां पे, तो ये बन जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. और भैया ये हमारे पास बन जाएगा वी एक्स डालोगे एक्स स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब वी क्यूब एक्स क्यूब. यहां से अगर तुम एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा वी प्लस डी वी बाई डी एक्स वी अपॉन वन प्लस वी क्यूब. v को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा x dv by dx v upon 1 plus v cube, यही तो बनेगा, माइनस के v x dv by dx इक्वल टू LCM लोगे तो ये बन जाएगा v, ये बन जाएगा v माइनस v माइनस v क्यूब, नहीं v क्यूब नहीं, v की पावर 4 अपॉन में वन प्लस वी क्यूब. वी से वी खत्म हो गया, बचेगा एक्स डीवी बाई डी एक्स. आसान है यार, बहुत क्वेश्चन आ रहा है ना ये वाले, माइनस के वी की पावर 4 वन प्लस वी क्यूब. अब तुम एक यहां पर मैं छोटा सा पोज लेना चाहूंगा, बस तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि ये जो टाइप्स मैं तुम्हें करा रहा हूं, ये 7 टाइप्स जो करा रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन, अगर तुम आईआईटी जैम की बात कर रहे हो, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इनिशियल कंडीशन साथ में देंगे, जैसे वो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, फिर ना कहना बाद में बताया नहीं था. वैसे मैंने पोज पानी पीने के लिए किया था. ठीक, तो ये हमारे पास बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस वी क्यूब अपॉन में v की पावर 4 इक्वल टू माइनस के dx by x. बस इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इस पावर को अलग अलग कर दो, तो ये बच जाएगा इंटीग्रेशन 1 by v की पावर 4 dv प्लस v की पावर 4 से कैंसिल होके 1 by v dv इक्वल टू माइनस के dx by x प्लस में c. खत्म हो चुका क्वेश्चन.
ये बन जाएगा माइनस फोर प्लस वन, तो बच जाएगा माइनस के वी की पावर थ्री, माइनस थ्री अपॉन में माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, ठीक है। ये बच जाएगा, सॉरी ये बच जाएगा प्लस में लॉग वी प्लस में इज इक्वल टू में माइनस के लॉग एक्स, और लास्ट में बच जाएगा प्लस में सी। खत्म हो चुका है क्वेश्चन। वाई को किससे रिप्लेस कर दो, v बाय एक्स, सॉरी v को किससे रिप्लेस कर दो, y बाय एक्स से। तो v की जगह जहां जहां v दिख रहा होगा y बाय एक्स लिख दो, तो माइनस के वन बाय थ्री वी बाय एक्स, सॉरी y बाय एक्स पावर माइनस थ्री लॉग y बाय एक्स इक्वल टू, या प्लस ले आओ इधर करके x इक्वल टू सी, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसा तुम्हें क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बढ़िया, बहुत अच्छे। इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, बट छोड़ो ना, कर दो कंबाइन। लॉग ए प्लस लॉग बी करोगे, एक्स एक्स कट जाएगा, तो ऐसी कुछ इक्वेशन मिलेगी, वन बाय थ्री एक्स बाय वाई क्यूब प्लस लॉग वाई इक्वल टू सी। अब ठीक, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, नेक्स्ट लिख लो, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। फिर से मैं बता देता हूं, लास्ट लेक्चर जो है भैया उस पर थोड़ा फोकस कर लेना, भैया बार बार नहीं बताओ, ठीक है नहीं बता दे, बस पे लास्ट टाइम बता रहा हूं, परेशान ना हो, वैसे ही मेरा मन कर गया बोलने का। कौन सा पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट, केस फोर। चार केस हो गए हैं, समझ पा रहे हो, बच के रहो थोड़ा। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू, ऐसा कुछ दे रखा, हाँ। इसे हमें रिड्यूस करना है इस फॉर्म में, कहाँ गया, इस फॉर्म में, ये वाले मेथड से करना, क्या करूं, तो तुम्हें एक काम करना होगा, स्मॉल एक्स को रिप्लेस करना होगा कुछ ऐसे, स्मॉल एक्स को लिखना होगा एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई को लिखना होगा वाई प्लस एच, वाई प्लस के, वाई प्लस के, ये करना होगा तुम्हें, ठीक है, बढ़िया। इसमें रिप्लेस करो, लेट अस सी क्या होता है, देखते हैं। तो ये बन जाएगा डी, पहले मैं एक क्वेश्चन से ही कराता हूं यार इसे, फिर साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, ये हमारे पास दे रखा क्वेश्चन, ठीक है। चील जैसी निगाहें तुम्हारे भाई की, इतनी दूर तक देख पा रहा हूं, पता तुम्हें क्वेश्चन। चलो इसमें हमें क्या करना है, स्मॉल एक्स को लिखना है एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई को लिखना है वाई प्लस के। अभी मुझे एच और के बारे में कुछ नहीं पता, तो देखो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स को लिख दो एक्स प्लस एच, वाई को लिख दो वाई वाई प्लस के प्लस टू, एक्स को फिर से एक्स प्लस एच वाई प्लस के प्लस थ्री। अब यहां से एक चीज ध्यान से देखना, ये चीज बढ़िया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एच प्लस के प्लस टू एच एक्स प्लस वाई प्लस एच प्लस के प्लस थ्री। लेट मी सी यार इक्वेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक्स माइनस वाई था यार नीचे, मैं वही कहूं ना, नीचे एक्स माइनस वाई लिखो, एक्स वाई एक्स माइनस वाई माइनस थ्री, ये तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा यार, वन से एक्स एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा। थोड़ा सा इसको करते हैं सही, माइनस 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 एक्स माइनस वाई, यहां पे आ जाएगा एच माइनस के माइनस थ्री। अब ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हमें एच और के ऐसे चूज करने, खुद से चूज कर रहे हैं हम, एच और के ऐसे चूज करने ताकि ये दोनों ब्रैकेट जीरो हो जाएं, खत्म हो जाए। अगर ये दोनों ब्रैकेट खत्म हो गई तो ये होमोजेनियस, सिर्फ इतना पार्ट बच जाएगा, इतने पार्ट को तो मैं सॉल्व कर सकता हूं पहले वाले मेथड से। तो चूज एच एंड के सच दैट, यार खुद ही तो मान के चले देना एच और के, तो कोई भी चूज कर लो, सच दैट एच प्लस के प्लस टू इक्वल टू जीरो, एच माइनस के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये तो चूज कर सकते हैं भैया हम, ये आ जाएगा 2h, k से k गया माइनस के 1, h की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 2, ये एंड में पुट करेंगे अब, अभी काम नहीं है इसका। और दूसरा क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा 2k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ रही है माइनस के 5 बाय 2। बस ये इक्वेशन बच गई। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, हमने h और k को ऐसे चूज करा, h और k की वैल्यू डाल के देखो यहां पर 1 बाय 2 5 बाय 2 कितना होता है, ये आ जाएगा माइनस के चार मतलब माइनस के दो प्लस के दो खत्म। ठीक है तो ये बच जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तुम कहोगे भैया फर्क क्या पड़ा इस क्वेश्चन में, फर्क ये पड़ा अब हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा था ना रिड्यूसेबल टू, जबरदस्ती बनाना है होमोजीनियस तो ये वाला मेथड लगता है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, बाकी तुम उसी मेथड से सॉल्व कर लेना, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स कर लोगे अब तो, ठीक। बस एंड में याद रखना, एट द एंड रिप्लेस, एक तो तुम्हें v को रिप्लेस करना है कैपिटल y अपॉन कैपिटल x, और एक चीज करनी है y को लिखना है y स्मॉल y प्लस में माइनस 5/2, और x को तुम्हें लिखना है स्मॉल x प्लस में 1/2। बस ये कर देना, हो जाएगा फिर तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। बाकी के टाइप्स पे चलते हैं, स्पीड आज तुम्हारे भाई की थोड़ी सी तेज लग रही हो तो अच्छी बात है यार, फिर तो तेज लग रही है तो बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, dy by dx is equal to cos x plus y plus sin x plus y, इसे करना है, ठीक है। आंसर बता, मतलब एक बार ट्राई कर लेना, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, कुछ ऐसा आना चाहिए, log 1 plus tan, सिंप्लीफिकेशन जितनी हो सके कर लेना, x plus y upon 2, log में तो यार मोड आता है, इक्वल टू x plus c आता, तो भैया जिंदगी में भी एक मोड है जिसे क्लियर करना बड़ा मुश्किल है, एग्जैक्टली ये तो फिर रोने वाली बात हो गई ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और एक इसके बाद आएगी रिड्यूसेबल, सबकी रिड्यूसेबल होती है कि जबरदस्ती कैसे बना सकते हैं इसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर का मतलब y की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो कुछ ऐसी दिखती है ये क्वेश्चन, dy by dx plus py equal to q, dy by dx plus py equal to q, this is the question। सबको पता होगा यार इसमें क्या करते हैं ना, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये टाइप की क्वेश्चन में पहला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, विच इज e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसी चीज है जिसको अगर इससे मल्टीप्लाई करो तो सॉल्यूशन आ जाएगा, ये हमने निकाल लिया। दूसरा स्टेप होता है y into में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस में c। बस एक चीज याद रखना, अगर ये dx by dy होती, अगर ये dx by dy होती तो मैं इसको ऐसे लिखता px equal to q। ये जो p और q है ना, यहां पे y के फंक्शन होंगे, यहां पे x के फंक्शन होंगे, तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखता e की पावर p dy, और आंसर लिखता x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस में c। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही, वैसे तो इसका इजी सा ही क्वेश्चन बनता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस में 2xy माइनस में 4x2 इक्वल टू 0, माइनस में 4x2 इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन इस बार दे रखी है y 0 0। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितना डेरिवेटिव उतने कॉन्स्टेंट्स, कितने कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, एक, तो एक ही आना चाहिए, इसीलिए एक ही कंडीशन दे रखी है। अगर हम सेकंड डिग्री पे जाएंगे ना अभी, तो तुम्हें पता लगेगा वहां पे दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे, वहां पे दो कॉन्स्टेंट्स आने वाले, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है कि इसको पहले तो वो वाली फॉर्म में बनाओ जो वहां पर लिखी, जो यहां पर लिखी हुई है, तो ये आ जाएगी dy by dx plus 2x upon में 1 plus x square y equal to 4x square upon में 1 plus x square।
अब इस फॉर्म में लग रही है भैया, ये पी का काम कर रहा है और ये क्यू का काम कर रहा है, और आपने कहा था पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। बढ़िया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है, ई की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको t पुट कर लूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो आ जाएगा e की पावर log में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बन जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, तो मैंने लग रहा है ये ब्रैकेट तो कैंसिल ही हो गई, आसान सा था ये तो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब 4 बाहर आ जाएगा, x क्यूब बाय 3 प्लस में 3 प्लस में c, y की वैल्यू दे रखी है 0 व्हेन x इज 0, तो c भी 0 आ जाएगा। अरे x को 0 y को 0 पुट करोगे सारे ही खत्म हो गए, तो y की वैल्यू मेरे को फाइनल दिखेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 बाय 3 एक्स क्यूब, और y आ जाएगा 4 बाय 3 एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आ रहा आंसर, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी भी रिड्यूसेबल करनी है, मतलब जबरदस्ती अगर तुम्हें किसी को बनाना हो तो कैसे बनाओगे इक्वेशन, जबरदस्ती तुम्हें किसी को मनाना हो तो कैसे मनाओगे भैया, उसके तो हमारे पास बहुत सारे नुस्खे हैं, यही तो किया हमने, रूटों को मनाना ही तो हमारा काम है। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस टाइप की इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं वो देखना ज्यादा जरूरी है। तो वो कुछ ऐसे है, dy by dx equal dy by dx plus में py equal to y की पावर n, लेट मी सी, q into y की पावर n, q कुछ भी हो सकता है x का फंक्शन, बस यहां y की पावर n होनी चाहिए। क्या करें, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो y की पावर n से, तो कुछ ऐसा बनेगा 1 by y की पावर n dy by dx प्लस y की पावर n माइनस 1, है ना, नहीं माइनस n प्लस 1, लेट मी सी, n ऊपर जाकर नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ठीक तो है, इक्वल टू q एंड दैट इज इट। अब क्या करें भैया, इसको रिड्यूस कैसे करें, तो मैं देखता हूं अगर मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है तो क्वेश्चन से समझाता हूं, क्वेश्चन से समझना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन से समझना ज्यादा इजी रहेगा, तो इसको लिखते हैं, क्वेश्चन से समझाता हूं ये वाला, बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें, चल आ जाओ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि dy by dx इन टाइप की इक्वेशन को रिप्लाई, बस इसमें कुछ नहीं करना यार, ये वाली चीज को z मान लेना और कुछ नहीं करना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, बस एक चीज को ध्यान रखना कि ऐसी फॉर्म होनी चाहिए तभी रिड्यूस कर पाओगे, इसलिए तो तुम्हें लिखवा रहे हैं, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर पाओगे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो क्वेश्चन हमारे पास है dy by dx plus 2xy equal to 2xy square, और ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे देते हैं। पहला आज का एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश है कुछ ऐसे, y is equal to cx upon 1 plus e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है y equal to 1 by 1 minus c e की पावर x, सी ऑप्शन दे रखा वाई इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस सी की एक्स स्क्वायर, और डी ऑप्शन दे रखा है वाई इक्वल टू सी एक्स अपॉन 1 प्लस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर। हमें बताना है भैया इसमें कि कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है, चलो ट्राई कर लो एक बार, उस इक्वेशन में थोड़ा रिड्यूस करो, तब तक हम इसको इंक भर लें। चलो बढ़िया, तो हमारे पास आ जाएगा अब, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, यहां पे करोगे तो ये बच जाएगा 2x y की पावर माइनस 1, यहां बच जाएगा 2x, इस 2x को मत छेड़ो ये वाला, ये ना नीचे लेके आओ, पुट y की पावर माइनस 1 इक्वल टू y की पावर माइनस 1 इक्वल टू z, तो आ जाएगा माइनस आगे y की पावर माइनस 2, क्योंकि तुम्हें यहां पे y की पावर माइनस 2 दिखाई दे रहा है ना, dy by dx
इक्वल टू डी जेड। तुम कहोगे भैया बाकी तो हम कर लेंगे यार, बाकी हम कर लेंगे, हमें ये चीज यहां पर दिख चुकी है, बाकी हम निपटा लेंगे। ठीक है बढ़िया यार निपटा लो। तो ये आ जाएगा माइनस के डी जेड बाई डी एक्स। अब खुद से कर लो यार, मैं भी कर रहा हूं, मैच कर लेना। और भैया इस चीज को रिप्लेस करना है जेड से, तो आ जाएगा प्लस में टू एक्स जेड इज इक्वल टू टू एक्स। माइनस को पूरा सेटल कर दो, माइनस की हमें जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस टू एक्स जेड माइनस के टू एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, एंड में रिप्लेस कर देंगे जेड को इससे, ठीक है घबराना नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा माइनस के टू एक्स डी एक्स, इसी से ही तो निकालते हैं ना, यह आ जाएगा ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा लेकिन टू से टू कट जाएगा, तो ये बचेगा। ऐसा तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, उसको ही टिक कर दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई नहीं जेड इंटू में, जेड इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस में सी। अब ध्यान से देखना, वाई को किससे रिप्लेस करना है, वन बाय वाई से, सॉरी जेड को किससे रिप्लेस करना है, वन बाय वाई से, तो वन बाय वाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको टी पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इसका मतलब सेम ही आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी वाई को उधर ले जाओ, इस पूरे को इधर ले आओ, तो ये बच जाएगा वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा वाई इक्वल टू वन बाय ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां वन बच जाएगा प्लस में सी ई की पावर एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव यहां पे आ जाएगी, इससे कैंसिल हो गया, बचेगा वाई इक्वल टू वन बाय वन प्लस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर। हम सोच रहे थे फर्स्ट, आया कौन सा थर्ड, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है बढ़िया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा केस है, सेवंथ, हाँ सेवंथ क्वेश्चन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट कैसी होती है वो देखो, एग्जैक्ट कुछ ऐसे दिखने वाली होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म मतलब जो किसी से नहीं हो रहा वही इससे होगा, बात खत्म हो गई। वेर एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जो किसी से नहीं हो रहा वो इससे होगा, मतलब ऐसी इक्वेशन तुम्हें दिख जाए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रख लेना भैया, एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज का ध्यान रख लेना, एग्जैक्टनेस कैसे चेक करते हैं, अगर तुम पार्शियल डेरिवेटिव करो m का विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव करो n का विद रिस्पेक्ट टू x, वो दोनों इक्वल आने चाहिए, तभी आगे का मेथड यूज होगा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो मुझे जबरदस्ती इक्वल लाने पड़ेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग मेथड, जो कि अभी मैं कराऊंगा, एक मिनट रुको, हाँ जो कि मैं अभी कराऊंगा। ठीक है बताएं, ये कंडीशन है एग्जैक्टनेस की, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, बढ़िया समझ आया। उसके बाद इसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखो, रिजल्ट लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक कुछ नहीं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ भैया इतना आसान तो नहीं होगा यार, कुछ तो इसमें झमेला होगा, एग्जैक्टली एक झमेला है। यहां पे ट्रीट y as constant, treat y as constant, और यहां पे terms not containing x, ऐसी terms ढूंढो n में, n जो भी तुम्हें यहां पे दे रखा होगा ये रहा, इसमें ऐसी terms ढूंढो जिसमें x नहीं है, terms not containing x, किसकी x भैया, फिर आप रुलाओगे हमें अब, अरे नहीं नहीं यार, मतलब मैं कहना चाह रहा मैथ की एक्स, मैथ की भी एक्स रही थी एक, तभी बार बार हम एक्स 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 बोलते हैं, तो होता है जिंदगी में ये चीजें भी। चलो बढ़िया, नेक्स्ट हमारे पास भैया इसका एक देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है, तो एक चीज और बताना चाहूंगा यार, मान लो कभी ये तुम्हारा इक्वल ना आ रहा हो तो क्या करें, अगर नहीं आ रहा है तो कोई और मेथड यूज कर लो, या फिर जबरदस्ती भी इक्वल कर सकते हैं, जबरदस्ती करने के कुछ मेथड होते हैं जिसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यूजिंग रिड्यूसिबल, सेवन था ना, रिड्यूसिबल टू
एग्जैक्ट बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके इसको रिड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, ठीक है भैया, बढ़िया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहला क्या है, मान लो सबसे पहला रूल वन. अब मैं साथ साथ इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा. ठीक है, रूल वन, अगर मान लो होमोजीनियस इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मान लो ये होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशन. अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, तभी यूज करना जब होमोजीनियस है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. बस इतना, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यार, एम एक्स एन वाई प्लस एन वाई, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, जो भी एम यहां पे तुम्हें दे रखा होगा उसके साथ एक्स लगा दो, एन के साथ वाई लगा दो, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा. क्वेश्चन करते हैं तभी मजा आएगा. क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन हमारे पास कुछ दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो. वैसे तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी कराया था, वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया था, है ना? ठीक, देखो ये हमारे पास आ जाएगा. वैसे आज मैं अपने ऑफलाइन सेंटर में आया हूँ और यहाँ पे अभी स्टूडेंट आया था मेरा, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर दूँ. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा अगर मैं इसमें वो निकालने की कोशिश करूं. पहले बात तो ये देखो, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, चेक कर लेते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं. अगर इसका तुम पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री का डिफरेंस आ रहा है, तो भैया बात नहीं बनी. तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इसको वाई से करना है सॉरी इसको एक्स से करना है तो एक्स क्यूब वाई, इसको वाई से करना है तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब सॉरी वाई के पावर फोर, जो कि बच जाएगा 1 बाय माइनस वाई की पावर 4. ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ऐसे बन जाएगी. पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई की पावर 3, एक वाई से वाई कट जाएगा डी एक्स माइनस, इसको इससे करोगे तो सॉरी प्लस, इसको इससे करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन में वाई की पावर 4, और यह कितना बन जाएगा 1 बाय वाई डी वाई. बड़े ध्यान से करना यार इसको, यहीं पे गलती हो सकती है. बढ़िया, बहुत अच्छे. अब मैं क्या करूं, इंटीग्रेटिंग करनी है m विद रिस्पेक्ट टू y और n की करनी है विद रिस्पेक्ट टू x. जल्दी से निकाल लो एंड लेट अस सी क्या होने वाला है. m डी एक्स एन डी वाई, जल्दी से करके देखो क्या इक्वल आ रहे हैं ये. क्या ये इक्वल आ रहे हैं, लेट अस सी. पहले m की y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में y की पावर 4, y की पावर 3 ऊपर जाके माइनस 3 होती है. n dx करोगे तो बन जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये बच जाएगा, कुछ गलती हुई है ना हमसे, हाँ 3 भी तो आएगा ऊपर जाके, वो 3 भी आएगा, ये बच जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4, और ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट होगा, दोनों सेम आ गए. इसका मतलब अब इसको हम एग्जैक्ट से कर सकते हैं और हमने कोई फर्क भी नहीं पड़ा, पूरी इक्वेशन को ही तो करा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत नहीं. अब हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये मेथड किस में यूज होगा, रूल नंबर 1 क्या है, इक्वेशन होनी चाहिए होमोजेनियस इक्वेशन. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, हमारे पास ये वाला मेथड लगा लो, इंटीग्रेशन एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट. भैया कौन से वाले से करें, इस वाले से करें या दूसरे वाले से, वो जो पहले था इसी से ही करना पड़ेगा, ये जो अभी रिड्यूस किया ना, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस डी एक्स. दूसरा है एन डी वाई टर्म्स विच डज नॉट कंटेन एक्स, इसमें तो एक्स आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, तो 1 बाय वाई डी वाई इक्वल टू 0. x को कांस्टेंट लोगे तो क्या होगा, सॉरी y को कांस्टेंट लोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा x क्यूब बाई 3 y क्यूब, और यहां बच जाएगा log y
इक्वल टू सी, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर, हो चुका। वैसे तो मोड भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको इधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग को उधर भेजो, ई की पावर एक्स बन, ई की पावर में चला जाएगा, तो वाई आंसर कुछ ऐसा भी दिख सकता है, ई की पावर सी प्लस एक्स क्यूब थ्री वाई क्यूब, ई की पावर सी अलग भी कर सकते हो, तो ये बन जाएगा सी डैश ई की पावर एक्स क्यूब अप थ्री वाई क्यूब। बट क्यों ही बना ना इतना भयंकर सा तुम्हें, है ना? ठीक है, जैसा जिसको जैसा जिसका टेस्ट हो वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू हमें क्या कहता है कि अगर मान लो तुम्हें ऐसी इक्वेशन दिखाई दे f ऑफ, ध्यान से देखना यार, एक्स वाई, एक्स वाई साथ साथ में होने चाहिए, ठीक है, डी वाई, वैसे ऐसा भी फंक्शन तुम्हें दिखाई दे सकता है डी वाई, इसके साथ एक और भी वाई है, ठीक है, F2, मतलब ये वही है M N ही है, बस M की जगह ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसी, और N की जगह ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसी चीज, ध्यान से छाप लो अपने दिमाग में, दिमाग में डाल लो इसे, ऐसी चीज होनी चाहिए तभी ये वाला मेथड लगेगा, वरना ये मेथड कभी नहीं लगने वाला, दिस इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। तो ये चीज अगर हमें दिखाई दे रही है, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाय, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 by mx minus ny, बस इतनी सी बात हो जाएगी, इसमें माइनस आ जाएगा, बढ़िया भी है, बहुत अच्छा। तो ये हमारे पास है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन करते हैं तभी समझ आएगी, बाकी मेथड तो वही रहता है यार जो मैंने बताया था तुम्हें, वो m dx where y is treating as constant, यहां पे x नहीं आने चाहिए, वो वाली चीजें। तो 1 प्लस एक्स वाई, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स, सॉरी वाई डी एक्स, कुछ मैंने गड़बड़ की है ना, ये ठीक है, अरे यार यहां पे थोड़ा सा सही कर लेना यार, एम डी एक्स होता था ना तो यहां डी एक्स, एन डी वाई होता था ना तो यहां डी वाई, थोड़ा सा करेक्ट कर ले यार, मेरी ही गलती है, मैंने यहां पे मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, ठीक आ रही है ना वीडियो, ठीक, प्लस में वन माइनस एक्स वाई, अभी तो भैया आप कह रहे थे आपकी चील जैसी आंखें, अभी तो आप घूर घूर के देख रहे हो उसमें, हाँ तो ठीक है ना, रोशनी नहीं ढंग से पड़ रही है, ये हमारे पास आ गया। अब इस टाइप की इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करो, पहले तो चेक कर लो यार, तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा ये एग्जैक्ट नहीं आएगी, तुम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देखोगे अलग अलग आएगा, तो मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर पार्शियल डेरिवेटिव भैया इक्वल आ गया फिर तो तुम्हारे मजे हैं, फिर तो तुम्हें सोचना ही नहीं है उस क्वेश्चन में, डायरेक्ट मेथड लगाओ आंसर, कुछ नहीं सोचना फिर तुम्हें, अगर इक्वल ना आए तभी तो दिक्कत है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय एम एक्स माइनस एन वाई, माइनस आएगा इसमें ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा एम को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है यार अजीब सा, इसको भी एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए मुझे, अब ठीक है थोड़ा सा, है ना, अब ठीक है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ये वाला वाई रहेगा, सॉरी फॉर दैट, ये भी वाई आएगा, ये भी वाई आएगा, ये एक्स रह गया, यहां भी एक्स आएगा, यहां भी एक्स आएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, दोबारा निकालना चाहेंगे एम एक्स एन वाई, तो इसको अगर मैं x से करूंगा तो आ जाएगा एक्स वाई माइनस, सॉरी प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब ठीक है यार, एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, बचेगा टू, वन बाय टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, बस अब तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन से खत्म हो जाएगा, तो हो सकती है यार हमसे भी गलती, इंसान हम भी, 1 प्लस एक्स वाई वाई अपॉन में टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में 1 माइनस एक्स वाई एक्स अपॉन में टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, एक वाई से वाई कटेगा, एक एक्स एक्स कटेगा, और देखो क्या बच रहा है, 1 बाय टू एक्स स्क्वायर वाई
और भैया यहां बच जाएगा 1/1, एक एक्स एक्स कटेगा, वाई से वाई भी कट जाएगा, तो मेरे ख्याल से बचने वाला है 2x, साथ में आ जाएगा dx, प्लस में 1/2xy2, और यहां बचने वाला है 1/2y, एक वाई से वाई कटेगा, एक्स एक्स कटेगा, इंटू dy इक्वल टू 0, ठीक है। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत, सॉरी एग्जैक्टनेस चेक करने की जरूरत है, चेक तो कर लो इक्वेशन सही है या नहीं। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं y के रिस्पेक्ट में और इसके करूं x के रिस्पेक्ट में, लेट अस सी क्या होने वाला है। तो y के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2x2y2, y 1/y की माइनस 1/y2 होती है। dn/dx करूं तो ये आ जाएगा n के 1/2x2y2, दोनों सेम आ गए, यही तो चाहिए था। तो इसका मतलब अब मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, इंटीग्रेशन m dx, m ये रहा और dx, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, y से कोई लेना देना नहीं, y को कॉन्स्टेंट मान लो, ऐसा समझ लो y एक नंबर है, प्लस में n dy, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, तो माइनस के 1/2y, इसमें तो x आ रहा ना, इसको छोड़ दो, इक्वल टू c, तो यहां आ जाएगा 1/x2 की होती है माइनस 1/x, तो ये हो जाएगा माइनस के 2xy, और ये हो जाएगा प्लस में 1/2 log x, माइनस में 1/2 log y, इक्वल टू सी, फाइनल आंसर, दैट इज इट। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि अगर मान लो ना तो वो होमोजीनियस है ना तो वो इस टाइप की इक्वेशन है, तो क्या करने वाले हो, तो है तुम्हारे पास कोई प्लान? तो हाँ, हमारे पास राजन भैया हैं और वही बनाते हैं हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं वही हमारी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो उसके बेस पे मैं तुम्हें एक बताना चाहूंगा कि एम डी, मान लो रूल नंबर 3 है, इसमें हमारे पास क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर तुमने क्या किया, अगर तुमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया एम डी वाई माइनस, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तो चेक करोगी अगर ये इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। मान लो इक्वल नहीं आए तो तुम्हें ये निकाल लिया, इसका फायदा होगा, इसको अगर तुम डिवाइड कर दोगे, इसको अगर तुम डिवाइड कर दोगे एन से, एन से अगर तुम डिवाइड करोगे और आंसर में कुछ एक्स का फंक्शन आ रहा है, सिर्फ ओनली एक्स फंक्शन, सिर्फ एक्स का फंक्शन आ रहा है, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इजी एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा मेथड क्या होगा, तुम समझ गए होंगे, अगर मैं डेल एन बाय डेल एक्स में से इसको माइनस करूं, डिवाइड करूं एम से और वाई का फंक्शन आ रहा है, देन माय फ्रेंड क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो, समझ गया था मैं मिस्टेक, तो यहां पे आ जाएगा एफ वाई डी वाई, ठीक है। मैं अभी वो वाला मेथड भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट वही वाला है। तो सबसे पहला काम क्या है, दिखाते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन से दिखाएंगे यार, ऐसे थोड़ी मजा नहीं आएगा फिर। तो यह आ जाएगा वाई 1/3 y³ 1/3 y³ प्लस 1/2 x² dx प्लस 1/4 x प्लस xy² हालांकि भैया लेंथ का क्वेश्चन है। अब एक एक चीज ध्यान दो, क्या ये तुम्हें दिख रही है होमोजीनियस? नहीं भैया, यहां पे डिग्री 3 है, यहां 1 है, यहां 2 है। क्या ये तुम्हें वो वाली फॉर्म दिख रही है एक्स वाई वाली? नहीं भैया, यहां पे वाई अकेला है, यहां पे एक्स अकेला है, हमारे जैसे सिंगल, ठीक है। थोड़ा सा रोना आ गया इसलिए मैं पानी पीना चाहूंगा। चलो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला काम होता है डेल एम बाई डेल वाई निकाल लो, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 + y² एक्स तो कॉन्स्टेंट है, खत्म। डेल एन बाई डेल एक्स निकाल लो, यह आ जाएगा 1/4 को ऐसे रहने दो, 1 + y², दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं भैया, 1/4 का दिक्कत आ रही है। तो एक काम करो, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स करना, आंसर क्या आएगा, 1 + दिस माइनस 1/4 1 + y² कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा भैया 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4, तो 3/4 1 + y², ये चीज आ रही है। खुद सोच के देखो, दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको
m से डिवाइड करूं या n से डिवाइड करूं? भैया m से तो डिवाइड करने में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन n, ये जो n होता है, अगर आप इस n से डिवाइड करोगे तो 1 बाय 4 से शायद ये 4 कट जाए, और अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। तो ये तुम्हें एट द मोमेंट सोचना होगा एग्जाम में बैठ के कि किससे डिवाइड करें। ये नहीं कि पहले डिवाइड करके देख रहे हैं कि x का फंक्शन आ रहा है कि y का, हा हा, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तो पहले तुम्हें सोच लेना है डिवाइड करने से पहले ही, हा हा, बढ़िया था ना। तो पहले ही तुम्हें सोच लेना है कि डिवाइड करने पे क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं n से, इस पूरे को डिवाइड कर दूं n से और इस पूरे को डिवाइड कर दूं 1 बाय 4, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब तुम्हें दिखेगा ये आएगा 3 बाय x, तो ये x का ही फंक्शन आ रहा है, दैट इज इट माई फ्रेंड। यह आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर 3 बाय x dx, e की पावर 3 log x, 3 ऊपर चला जाएगा पावर में, log से ही कट जाएगा तो बचेगा x क्यूब। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है x क्यूब, एंड दैट इज इट, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। बाकी तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, है ना। x क्यूब से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा x क्यूब y प्लस 1 बाय 3 x क्यूब y क्यूब प्लस 1 बाय 2 x की पावर 5 dx प्लस 1 बाय 4 x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू, वैसे तो चेक कर सकते हो यार, अब विश्वास तो हो गया होगा ना इतना। अब तुम्हें यहां पे देखो x क्यूब y प्लस 1 बाय 3 x क्यूब y क्यूब, ठीक है, प्लस 1 बाय 2 x की पावर 5 इंटू में क्या आता था dx, y को एज ट्रीट करना एज कॉन्स्टेंट, और दूसरे में टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, ऐसा तो भैया हमें कुछ दिख नहीं रहा, सब में इसमें भी x आ रहा है इसमें भी x आ रहा है, तो बात नहीं बनी, इक्वल टू c लिख दो। आ ही नहीं रहा तो क्या करें इंटीग्रेशन, ये मुझे क्वेश्चन दिखाना था तुम्हें कि x आए ही ना, सॉरी ऐसा अकेला y दिखे ही ना, तो उसको खत्म कर दो। तो ये हमारे पास x के रिस्पेक्ट में करोगे x की पावर 4 अपॉन में 4, x की पावर 4 अपॉन में 4, x की पावर 6 अपॉन में 6 इक्वल टू सी, दैट इज द फाइनल आंसर। बाकी इसका एलसीएम वेलसीएम ले लेना, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पूरे में से कॉमन आ रहा है ना कुछ, 1 बाय 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा मेथड मैंने क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए रूल नंबर चार। इसमें मान लो तुम्हें क्या हो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दे रखा है, और तुमने क्या किया डेल एन बाय डेल, इसमें ध्यान रखना उल्टा यार, ये चीज भी बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, डेल एन बाय डेल एक्स होना चाहिए, इसमें से माइनस करना है डेल एम बाय डेल वाई को। वहां देखो फॉर्म देखो, डेल एम बाय डेल एक्स डेल एम बाय डेल वाई। एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया क्या, यही होता है जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने बता दिया। इसको डिवाइड करेंगे m से और आंसर आ गया फंक्शन ऑफ y, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर f ऑफ y dy, और बाकी तो वैसे ही है मेथड सारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चंस में ना अभी मैं इनिशियल कंडीशंस नहीं दे रहा हूं, बट हाँ इनिशियल कंडीशंस भी आ सकती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। बढ़िया, चलते हैं मेथड की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x² y² प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0, यही आएगा एक्स प्लस वाई की पावर 4 इंटू डी एक्स, ठीक, बढ़िया, अच्छे, बहुत। ये है m, ये है n, ठीक है। तो निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 3xy² प्लस में 1। तुम्हें बता एक बात बताऊं, सीक्रेट किसी को बताना नहीं, ये जो बोर्ड लगा हुआ ना, ये एक ऐसा समझ लो पीछे एल्यूमिनियम की एक शीट है, उसके आगे लगा हुआ। अगर मैं तो अपने बोर्ड पे तुमने देखा ना ऐसा करके इतनी तेज तेज मारता हूँ, है ना, और सोचो इस पे मैंने मार दिया बोर्ड नीचे और मैं बाहर इंस्टीट्यूट से, कितना खतरनाक काम है वैसे ये, ठीक है छोड़ो।
इसलिए मैं आज बहुत ध्यान से प्यार प्यार से ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। और वो वाले बोर्ड तो भैया वो तो जान है हमारी, वो तो अब अपना साथ बिठा के सोते हैं हमसे, आप पास रख के भैया चला ना जाए कहीं परेशान हो के हमसे। डेल एन बाई डेल एक्स, बढ़िया, ये आ जाएगा टू। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वन, और इसकी तो जीरो ही हो जाएगी। देखना क्या फर्क आ रहा है इसमें, फर्क क्या आ रहा है भैया, यहाँ पे थ्री है यहाँ पे टू है, दिक्कत आ रही है, क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट। एक मिनट रुको भैया, हमें कैसे पता लगेगा इसमें से ये माइनस करना है या इसमें से ये माइनस। अरे भैया ये कम से कम नेगेटिव तो कॉमन ले ही लोगे, कैसे भी सब्ट्रैक्ट करके देख लो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो किसी को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर लो। डिवाइड करने पे पता लग जाएगा कि m से डिवाइड करने पे फायदा हो रहा है या n से डिवाइड करने पे फायदा हो रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x, ये आ जाएगा 3x y स्क्वायर प्लस 1 माइनस, देखो मैं तुम्हारे कहने पर कर रहा हूं यार, ये वैसे उल्टा होता है, तुम्हारे कहने पर कर रहे हैं, 4x y स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 2, ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, इसमें से ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास माइनस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 1, माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 1। देखना किस वाले से फायदा होगा, किस वाले ब्रैकेट से फायदा होगा, अगर मैं इसमें से y कॉमन ले लूं तो ये बच रहा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, बच रहा है ना एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, हाँ बच रहा है। तो m से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, डेल एन एक्स डेल एन बाई डेल एक्स में से इसको माइनस करना चाहिए था, तो साइन उल्टे कर दो ना, मतलब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, एक ही बात, और डिवाइड कर दो m से, आंसर को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, ये बचेगा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 से और ये माइनस को पॉजिटिव करूंगा, आंसर आ रहा है 1, और नीचे y भी तो बचेगा एक, इसमें से y कॉमन लूंगा, है ना, y बच जाएगा, तो ये बचेगा आंसर 1 बाय y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, इस बार y का फंक्शन आ रहा है ना, तो ऐसे करो 1 बाय y dy, जो कि बच जाएगा e की पावर log y विच इज y, y से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या, बाकी पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। y से मल्टीप्लाई करके उसके बाद तुम्हें लिखना आता है कि कैसे लिखते हैं उस चीज को, बढ़िया बहुत अच्छे। तो ये था हमारे पास सारे के सारे मेथड, हमने कर लिए, एक भी नहीं छुड़वाया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट डिग्री हायर ऑर्डर्स। इसमें क्या करना है भैया, मैंने उल्टा बोला ना, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, पहले ये लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, मतलब डेरिवेटिव तो फर्स्ट ही होना चाहिए लेकिन उसकी डिग्री ज्यादा हो सकती है, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ऐसे होगा। तो लिखो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री, डिग्री ज्यादा हो सकती है बट हाँ ऑर्डर फर्स्ट ही होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बढ़िया। तो ये हमारे पास कुछ, एक चीज का ध्यान रखो यार, ये वाली जो इक्वेशंस है ना, इन इक्वेशंस में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, p नॉट डी वाई बाई डी एक्स की पावर n प्लस p1 डी वाई बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सोन p n इक्वल टू 0। पहले यहां पे पी एन माइनस वन वाई भी आएगा, बट ऐसी इक्वेशन देखने को मिलती है कि डी वाई डी एक्स की हायर पावर्स है, लेकिन मैं बार बार नहीं इसको लिखने वाला हूं यार, पी इसको डी वाई डी एक्स, टंग ट्विस्टर सा बन गया यार ये तो, डी वाई बाई डी एक्स मैं इसको बार बार नहीं लिखने वाला हूं, तो आज के बाद हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स को स्मॉल पी, फिक्स कर देते हैं आज, ठीक है, फिक्स कर देते हैं आज, हायर डिग्रीज में इसको मैं ऐसे लिखा करूंगा, ठीक है। पहला हमारे पास इसकी टाइप आ रही है, तीन टाइप की, मतलब तीन इसकी टाइप्स होती हैं जो मैं तुम्हें तीनों की, वैसे चार होती हैं, तीन टाइप मेन होती हैं इसकी, जो कि है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर, मैं तीनों के एग्जांपल ही बताने वाला हूं, तो पहले मैं इसकी टाइप्स बता देता हूं, बाकी समझाऊंगा मैं एग्जांपल से। टाइप्स में फर्स्ट आता है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर
पी, दूसरा आता है सॉल्वेबल फॉर वाई, और तीसरा आता है सॉल्वेबल फॉर एक्स। मान लो कोई इक्वेशन है वो पी के लिए सॉल्व हो रही है, मतलब P का आंसर आ रहा है, दूसरी है Y का आंसर आ रहा है, तीसरा है X का आंसर आ रहा है, मतलब X एज अ फंक्शन ऑफ कुछ आ रहा है, ठीक है। उन टाइप में क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एग्जांपल से, इससे पहले मैं एक लास्ट टाइप इसमें मैं डिस्कस कर लूं, विच इज फोर्थ क्लियर आउट्स इक्वेशन क्या होते हैं, कुछ ऐसे दिखने वाली, वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस में एफ ऑफ पी। ये कैसी इक्वेशन है, ये गंदी सी, नहीं बढ़िया इक्वेशन है यार। P क्या है, dy by dx, तो देखने में कुछ ऐसी है एक्चुअल में, y dy by dx, x f of dy by dx। नहीं भैया नहीं वापस वैसे ही लिख दो, ये तो बहुत गंदी सी इक्वेशन है। तो एज अ फंक्शन ऑफ dy by dx, अब dy by dx के कुछ भी इक्वेशन हो, कुछ भी पावर हो सकती है, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर तुम्हें कभी भी क्लियर आउट इक्वेशन दिखे ना, उसका आंसर लिखना हो, आंसर देखो क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, रिप्लेस पी इक्वल टू सी, तो पी को सी से रिप्लेस कर दो, आंसर आ गया। जहां जहां तुम्हें पी दिख रहा है उसको सी लिख दो, दैट इज द फाइनल आंसर, खत्म हो गया भैया क्वेश्चन। सोचो एग्जाम में तुम्हारे सामने आ गया, क्लियर आउट इक्वेशन दिख गई तुम्हें एकदम बनती हुई, जैसे ही क्लियर आउट इक्वेशन दिखी तुम तो झपट के पड़ जाओगे उस पर, है ना, सही बात कह रहा हूं ना मैं, बढ़िया। एक चीज दिखाऊं तुम्हें, मैंने इसका ये लास्ट वाली फॉर्म का भी, मैं इस पे और मतलब बातें करूंगा और भाषण आएगा अभी इस पे, लेकिन मैं लास्ट वाली इक्वेशन का ना तुम्हें एक छोटा सा प्रूफ करा, तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं। तुम भी कहोगे भैया आपने इतनी इतनी बातें तो कर दी, लेकिन आपने अभी तक हमें वो नहीं दिखाया सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में, कुछ नहीं बताया सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में, कुछ बताता हूं। तो ये हमारे पास, पहले तो इसकी डिफरेंशिएशन करो, dy by dx which is p, इसकी डिफरेंशिएशन px की क्या हो जाएगी, p ऐसी x की 1, x ऐसी p की हो जाएगी dp by dx, प्लस f of p की क्या हो जाएगी f dash p dp by dx, है ना, p से p कट जाएगा, यहां बचेगा, इन दोनों में से dp by dx कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस f dash p इक्वल टू 0। देखना कुछ और तो नहीं बच रहा, नहीं, यहां से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, मैं इसको 0 करता हूं तो यह आएगा dp by dx is equal to 0, which is dp is equal to 0, which implies p is equal to constant, इसीलिए तो मैंने p को replace करा था यहां पर c से, है ना, b की value c आ रही है, तो खत्म हो गया question। लेकिन 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 my friend, ये भी तो देखना पड़ेगा, इससे क्या मिलेगा, ये होगा differentiation of function of p with respect to x equal to x, मतलब ये हमें मिल रहा है differentiation of f of p with respect to x, तो ये हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। लेकिन यहां से अगर तुम ध्यान से देखो ना, इसमें इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, विच इंप्लाइज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड। यहां तो आ गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहां कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, इसका मतलब यह है कि विच इंप्लाइज इट गिव्स अ सिंगुलर सॉल्यूशन। याद करो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, लेकिन वो जनरल इक्वेशन से भी ना निकले हो, जनरल सॉल्यूशन से ना निकले हो। तो इसमें जनरल सॉल्यूशन को मैंने कोई यूज नहीं लिया, फिर भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो इन टाइप के सॉल्यूशन को सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराना चाहूंगा ताकि तुम्हारी चीजें, मतलब तुम्हारे लिए चीजें थोड़ी सी कवर हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए, कवर नहीं, अंग्रेजी में थोड़ा हार्ड टाइट है तुम्हारा मेरा नहीं। आई कैन स्पीक मोर देन ब्रिटिश पीपल। चलो आ जाओ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि पी एक्स माइनस वाई, सोचो अगर मैं पी को डी वाई बाई डी एक्स लिख दू ना, हालत खराब हो जाएगी हमारी हायर डिग्रीज में, ए स्क्वायर पी, ऐसी क्वेश्चन दे रखी। अब तुम खुद सोचो क्या कहीं किसी एंगल से तुम्हें दिख रही है क्लियर आउट इक्वेशन, नहीं भैया। क्या तुम्हें ये y के लिए सॉल्व होती दिख रही है, क्या तुम्हें y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ p और x दिख रहा है, नहीं भैया। क्या तुम्हें x एज अ फंक्शन ऑफ y और p दिख रहा है, नहीं भैया।
चारों फॉर्म में दिखाता हूं तुम्हें, y एज अ फंक्शन ऑफ सॉरी p एज अ फंक्शन ऑफ x y नहीं दिख रहा, y एज अ फंक्शन ऑफ p x दिख रहा है नहीं दिख रहा, x एज अ फंक्शन ऑफ p y दिख रहा है भैया ये भी नहीं दिख रहा, क्या तुम्हें क्लियर आउट इक्वेशन बनती हुई दिख रही है नहीं भैया वो भी नहीं दिख रही, क्या करें कुछ नहीं हो रहा भैया, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है कुछ नहीं, पी एक्स माइनस वाई, हाँ तो ये हमारे पास क्लियर आउट इक्वेशन में नहीं, तो क्या करें भैया इन टाइप की इक्वेशंस में, तो ये होती है रिड्यूसेबल टू क्लियर आउट इक्वेशन, तो लिख लो रिड्यूसेबल टू क्लियर आउट फॉर्म, तो तुम्हें जबरदस्ती क्लियर आउट फॉर्म में लाना पड़ेगा, ना तो ये एक्स के लिए सॉल्व हो रही है, ना वाई के लिए, ना जेड, ना एक्स के लिए, ना पी के लिए, ना तो एक क्लियर आउट इक्वेशन डायरेक्टली है, तो क्या करें, तो इसमें मुझे क्लियर आउट इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बनाने के लिए मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे है, यहां पे मैं एक्स स्क्वायर को क्या पुट करने वाला हूं वी, और वाई स्क्वायर को क्या पुट करने वाला हूं यू, ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान से देखनी पड़ेगी यार, यह आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dv, यह आ जाएगा 2y dy इक्वल टू डी यू, दोनों को डिवाइड करना एक बार, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू से टू जाएगा तो वाई बाई एक्स, इसका मतलब एक्स डी यू अपॉन वाई डी वी, एक्स डी यू अपॉन वाई डी वी, ऐसा कुछ बन रहा है, एक्स डी यू प्लस वाई डी वी, ये जो डी यू बाई डी वी है ना, ये जो डी यू बाई डी वी है, इसको एक नेम दे देते हैं, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, पता नहीं क्या गलती हो रही, ठीक है देखते हैं, इसे तो हम स्मॉल पी बोलते थे तो इसे कैपिटल पी बोल दो, रिप्लेस करना है इसमें, तो ये बन जाएगा पी की जगह लिखना है एक्स अपॉन वाई कैपिटल पी इंटू एक्स माइनस वाई, P की जगह लिखना है x अपॉन y इंटू में y इंटू में कैपिटल P प्लस में x इक्वल टू a स्क्वायर, इस P की जगह लिखना है x अपॉन y कैपिटल P, तो चीजें कैंसिल हो रही हैं तो कर दो, ये बच जाएगा x स्क्वायर P माइनस के x स्क्वायर P माइनस के y स्क्वायर और पूरे के अपॉन में y, यहां बच रहा है y से y कट जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, y से y कट के x को मना जाएगा, बचेगा p प्लस वन इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई पी, एक्स एक्स गया y से y गया, तो एट द मोमेंट यार हमें कभी कभी सोचना भी पड़ सकता है, ये कोई मेथड ऐसा फिक्स नहीं है कि तुम हमेशा एक्स स्क्वायर को v पुट करोगे y स्क्वायर को u पुट करोगे, इसमें एट द मोमेंट बैठ के ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं यार क्वेश्चन p वाले ना, इसमें तुम्हें एट द मोमेंट सोचना पड़ता है क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या ऐसा इक्वेशन डालूं जिसमें दोनों साइड से कॉमन आ जाए चीजें, तो थोड़े से मुश्किल बन जाते हैं, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई स्क्वायर पी प्लस वन इक्वल टू ए स्क्वायर पी, दैट इज इट, खत्म हो चुका हमारा क्वेश्चन, अब इसको बस सॉल्व कर लो थोड़ा सा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है एक काम करो एक्स और वाई को भी रिप्लेस कर ही लो, एक्स स्क्वायर को हमने पुट किया था वी और इसको रिप्लेस किया था यू, अब ठीक है थोड़ा सा, ठीक है बढ़िया बहुत अच्छे, ये पी प्लस वन को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा वी पी माइनस यू इक्वल टू ए स्क्वायर पी अपॉन में पी प्लस वन, क्या ये क्लियर आउट इक्वेशन है, क्या ये क्लियर आउट इक्वेशन बन चुकी है, नहीं भैया अभी तो नहीं बनी है, हमें तो वी चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, U चाहिए, U है ना वो Y को जो रिप्लेस करके आया, तो ये बनेगा U इज इक्वल टू वी पी माइनस ए स्क्वायर पी अपॉन पी प्लस वन, देखना यार वो वाली इक्वेशन बन गई जो अब मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, वैसी वाली इक्वेशन बन रही है जैसे मैंने क्लियर आउट इक्वेशन लिखवाई थी तुम्हें, हाँ भैया वैसी वैसी इक्वेशन थोड़ी लग तो रही है, तो बस तुम पी को रिप्लेस कर दो सी से और दैट इज द फाइनल आंसर, खत्म हो चुका क्वेश्चन, पी को किससे रिप्लेस कर दो, अरे ये वही तो बन गई यार क्लियर आउट फॉर्म, ये क्लियर आउट फॉर्म ही तो है, तो P को रिप्लेस कर दो C से, तो ये बन जाएगा U इक्वल टू वी सी माइनस ए स्क्वायर सी अपॉन में सी प्लस वन, एक चीज ध्यान रखना बस कि U हमारे पास क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू
v की जगह x स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर c अपॉन c प्लस 1, दैट इज द फाइनल आंसर। y का स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इक्वेशन नॉट कंटेनिंग x। यहां से थोड़ी और इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये फिफ्थ फॉर्म है, चार तो मैंने बता दी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर p, क्लियर आउट्स इक्वेशन। नेक्स्ट है इक्वेशन नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x। तो मैं यहां पे इसके मेथड्स लिख के लाया हूं, वो मैं तुम्हें जरूर लिखवाना चाहूंगा। तो ये कुछ ऐसी दिखने में इक्वेशन होगी जिसमें y आएगा, p आएगा और कुछ नहीं आएगा, x नहीं आएगा। इसमें भी दो केसेस आ सकते हैं, सॉल्वेबल फॉर y, y सॉल्वेबल फॉर p, ऐसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सबसे पहले लिख लो फर्स्ट केस, सॉल्वेबल फॉर y या मान लो, तो हमें पता है सॉल्वेबल फॉर p है, तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ y। इसको लिख दो dy बाई dx इक्वल टू एफ ऑफ वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आंसर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड खत्म हो चुका। इधर क्या आएगा, इधर हमारे पास आने वाला है, इधर हमारे पास आने वाला है सॉल्वेबल फॉर वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ पी, ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के मेथड हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, बढ़िया, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले यार मैं सारे केसेस को कंप्लीट कराना चाहूंगा। सिक्स्थ केस हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर इक्वेशन नॉट कंटेनिंग वाई, नॉट कंटेनिंग वाई। ये सारी मैं एक बार टाइप्स करा दूं, फिर एक बार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्वेबल फॉर, मैं इसके और भी क्वेश्चन लूंगा लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन में, यहां पर मैं सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूं। ठीक है, सॉल्वेबल फॉर एक्स हो सकता है, एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू जीरो, ऐसी कुछ इक्वेशन होगी। सॉल्वेबल फॉर एक्स हो सकता है और सॉल्वेबल फॉर पी हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, सॉल्वेबल फॉर पी का मतलब पी ऐसा कुछ दिया होगा, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड खत्म। इसमें कुछ ऐसा होगा एफ ऑफ पी, इसके लिए हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उसमें टाइप्स दिखेगी कि कैसे होने वाला है, सिंपल होता है ये भी। ठीक, बढ़िया, भैया ये वाला अगर आप करके दिखा दो तो फिर बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, ये पी वाला। तो पी वाला अभी मैंने एक भी नहीं कराया, तो पहले इसका एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मेरे को दिखाई दे रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, भैया आपने तो कहा था इसमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं आने वाले हैं, हाँ अभी ये रिड्यूस हो जाएगा, परेशान मत हो। डी वाई बाई डी एक्स की पावर टू इक्वल टू जीरो, यही है, हाँ यही है। इसको एक बार ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ी जगह बना लूं। कितना आ जाएगा ये, सबसे पहले dy वाई बाई डी एक्स को हम लिखते हैं p, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स, वन प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा डी पी अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर और इज इक्वल टू में माइनस के डी एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन इनवर्स पी का और ये होता है टेन इनवर्स एक्स का प्लस में सी, ऐसी कुछ इक्वेशन बन रही है। बस खत्म हो चुका है, टेन इनवर्स को उधर टेन बना दो और खत्म हो गया क्वेश्चन। चाहे तो तुम इसको भी टेन ही, एक काम करो इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स पी माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी, ऐसे लिख लो फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन भैया टेन इनवर्स का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए उसके लिए, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, या माइनस साइन आएगा या प्लस आएगा, टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन जैसे तुमने टेन ए प्लस बी का पढ़ा ना, लगभग वैसे ही होता है,
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स p प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस पी एक्स, विच इज tan इनवर्स c. tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल बिना किसी को बताए, ये चीजें वैसे मैथमेटिक्स में ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हैं. c यहां से आ जाएगा p प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स c. p के लिए सॉल्व कर लो तो हमारे पास बच जाएगा p प्लस एक्स c माइनस पी सी एक्स. पी सी एक्स को इधर ले आओगे तो बचेगा p कॉमन लेके 1 प्लस सी एक्स इक्वल टू एक्स, पी इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स. तो क्वेश्चन मैंने कहा था यार बड़े तो होते हैं, देखो इसके ऐसे तो मुझसे झूठ क्यों बोलूं यार, क्वेश्चन बड़े होते हैं. लेकिन देखो हो भी गया, खत्म भी हो गया क्वेश्चन, बस इसको यहां डाल दो. इसको लिख दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स. सॉल्वेबल फॉर p था ये ना, x कहां से अलग कर लोगे रे तुम. डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स डी एक्स. अब कैसे करें भैया, c से मल्टीप्लाई, c से डिवाइड, फिर 1 प्लस 1 माइनस, आंसर आ जाएगा, खत्म कर लेना बाकी. सो अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. वाटर ब्रेक हमारा हो चुका है तो सेकेंड पार्ट पे अब हम चलने वाले अपनी वीडियो के, जिसमें हम अब रॉन्सकियन मेथड देखेंगे. हम देखेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं सॉल्यूशंस. इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम्हें वेक्टर स्पेस का लेक्चर देखा होना चाहिए. तो आई होप, आई एम अज्यूमिंग कि तुमने वो लेक्चर देखा है, और इतना बोलने के बाद पता तो मुझे है ही कि देखा तो नहीं हुआ. तो वैसे तो मुझे यार तुम पे विश्वास, एटलीस्ट मुझे तो है, कि तुम पूरी मंजिल सीरीज को फॉलो करोगे एंड तक. एंड तक आते आते जो रुक गया वो कर जाएगा क्लियर, जो नहीं रुका वो भी भगवान करे क्लियर कर ही जाए यार, सभी मेहनत करते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं. अब इसका मतलब क्या होता है और ये रॉन्सकियन कहां से आएगा भैया, बस ये चीज का ध्यान रख लो. इससे पहले तुम्हें एक चीज समझनी होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन. भैया ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, मान लो तुम्हारे पास किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ ऐसे दे रखे तुम्हें, कुछ ऐसे दे रखे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कुछ दे रखा तुम्हें इस इक्वेशन में, मतलब तुम्हें इस इक्वेशन, ये इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, और इस इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन आएंगे. एक तो क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, सॉरी एक सॉल्यूशन आ रहा मान लो इसका y1, एक आ रहा y2, दो सॉल्यूशन आ गए. बस ये चीज को हमें ध्यान रखना होगा कि अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहता हूं, अगर y1 भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, y2 भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इन्हें सेटिस्फाई करेगा, मतलब c1y1 plus c2y2. तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, देर आर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देर आर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस. ठीक है, बढ़िया. तो जो भी तुम्हें सॉल्यूशंस दे रखे हो, हाँ, तो जो भी तुम्हें सॉल्यूशंस दे रखे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब उनकी पावर 1-1 होनी चाहिए, जो सॉल्यूशन है उनकी पावर 1-1, और साथ में कांस्टेंट को ऐड कर दो तो वो भी उसका एक सॉल्यूशन होता है. दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन इज दी, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर मैं दो सॉल्यूशन अगर अलग अलग आ रहे, दो या तीन या जितने भी हैं सबको प्लस करूं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दूं, तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा लीनियरली. इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब y1 कैन नॉट बी रिटन एज दी, y1 इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स y2, इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं. वैसे मैं बड़ी गंदी सी डेफिनेशन बोली है, बट ठीक है. एक डेफिनेशन जो मेन है ना, और करके लिखो कि c1y1 plus c2y2 equal to 0, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, पॉसिबल इफ c1 equal to c2 equal to 0, तभी आंसर आ रहा है 0, अगर ये कांस्टेंट 0, वरना कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा y1 और y2 की वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है 0 को छोड़ के जिससे कॉम्बिनेशन 0 हो जाए, तब इसे हम क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट. लेकिन c1y1 plus c2y2, यही पार्ट बेटे जरूरी है सबसे ज्यादा, यहां तक जो बैठा है, मतलब यहां पर जो बैठा है ना इस समय, अब जो ये वीडियो को देख रहा है, यहां से सीट की पेटी बांध लो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो गई हैं, यहां से बनते हैं मेन क्वेश्चन.
कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे जैम का एग्जाम, ये हमारे पास है। ये तभी पॉसिबल हो, पॉसिबल इफ सी पॉसिबल फॉर सी वन एंड सी टू नॉट नेसेसरली जीरो, नॉट नेसेसरली जीरो। जीरो ना भी हो तब चल जाएगा, ये वन है ये माइनस वन है मान लो तब भी चल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई वन है वन प्लस एक्स स्क्वायर और वाई टू भी है वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है ना यार, तुम यहां पे सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू करोगे तो मैं पूछूंगा ये जीरो कब आएगा, तुम कहोगे इसको वन रखो इसको माइनस वन। लेकिन अगर मैं यहां एक्स क्यूब कर दूं, मैं तुमसे अब पूछूंगा अब बताना जरा कब जीरो होगा, तुम कहोगे अब तो भैया जीरो नहीं हो सकता, ये तभी जीरो होगा जब सी वन भी जीरो सी टू भी जीरो, वरना जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअल में तुमसे, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैंने तुम्हें बता दिया है। लीनियरली मान लो बहुत सारे फंक्शन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, एफ वन एफ टू अप टू सोन एफ एन आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन एनी ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। मतलब मेरे को एफ एन लिखना है ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी वन एफ वन सी टू एफ टू अप टू सोन, ऐसा लिख सकता हूँ। या एफ थ्री को लिखना है तो उसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं होता, किसी को भी नहीं लिख सकते कॉम्बिनेशन में, सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है रॉन्सकियन। अब डब्ल्यू हम डिफाइन करने वाले हैं, स्पेलिंग गलत लिख दे तो दिक्कत हो जाएगी। एफ वन एफ टू अप टू सोन एफ एन, रॉन्सकियन कैसे डिफाइन होता है, एफ वन डैश एफ टू डैश अप टू सोन एफ एन डैश, जितने भी डेरिवेटिव होंगे उतने डेरिवेटिव कर लेंगे। मान लो यहां पे ये हमारे को दे रखे एन रियल फंक्शन ओवर आई ऑफ विच हैज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन, एन माइनस वन डेरिवेटिव हम इनके कर सकते हैं। ठीक है, वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पे डिपेंड करेगा कि कितने डेरिवेटिव हम कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल nth डिग्री की इक्वेशन है तो n माइनस वन डेरिवेटिव कर पाएंगे, क्योंकि nth डेरिवेटिव पे तो खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा एफ वन एन माइनस वन एफ टू एन माइनस वन अप टू सोन एफ एन एन माइनस वन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब ये रॉन्सकियन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, रॉन्सकियन जीरो आने पे क्या होगा, रॉन्सकियन नॉन जीरो पे क्या होगा, ये सारी चीजें हमें डिपेंड ये सारी चीजों पर बातें आने वाली, इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो देखो कुछ बताते हैं इंपॉर्टेंट बातें अब जो आने वाली है, ये चीज को ध्यान रखना। If Wronskian is non-zero, then the functions are linearly independent. तो लिख लो, अगर ये चीज तुमने करी and Wronskian is not equal to zero, then f1, f2, up to so on fn are linearly independent over the interval. Over the interval, जो भी interval दिया हुआ है, जो भी interval तुम्हें दिया होगा उस interval पे सारे के सारे linearly independent होने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बढ़िया, जैसे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक करना एक बार कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। वन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन, फिर उनके डेरिवेटिव, जीरो टू साइन एक्स कॉस एक्स विच इज टू साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब 2 sin x cos x का मतलब sin 2x, और cos 2x का मतलब क्या होता है, cos 2x का मतलब होगा 2 cos x sin x लेकिन माइनस का, तो माइनस के sin 2x। एक और कर लो, 0, एक और डेरिवेटिव इसका कर सकते हो, 3 by 3 की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी तुम्हें, ये हो जाएगा cos 2x माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस, क्यों आएगा, बस 2 आ जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास आने वाला, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें एक ही चीज करनी पड़ेगी यार,
वन, इसको इससे करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के टू साइन एक्स साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, और यहाँ आ जाएगा प्लस के टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स। कितना आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा, अरे दोनों तो सेम ही लग रहे हैं यार, खत्म हो गया, जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट थे, ये बात नहीं बनी। और हमें पता था यार लीनियरली डिपेंडेंट है, इसको ऐसे लिख तो सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। और ये तो हाँ भैया, ये तो हमें बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे ये लिख तो सकते हैं, तो मैंने लिख तो दिया वन को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, तो इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट थे, और यहां से भी प्रूव हो गया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब अगला एक तुम्हें ट्राई करना है, नेक्स्ट एक तुम्हें ट्राई करना है जो कि कुछ ऐसे है। नेक्स्ट एक अभी तुम्हें ट्राई करना है कुछ ऐसे, e की पावर माइनस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये एक तुम्हें करना है होमवर्क। और दूसरा होमवर्क है तुम्हारे लिए एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स और टू ई टू माइनस थ्री एक्स ई की पावर, ये सारे चेक करने हैं लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक मिनट रुको, सो वापिस आ चुके हैं। तो अब यहां पे बात कर रहे थे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, इन्हें एक बार चेक कर लेना तो बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, बढ़िया। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आने वाली हैं, ऑर्डर बड़े आने वाले हैं, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो उस चीज के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला हमारे पास कैटेगरी में आ रहा है, सबसे पहला कैटेगरी में आ रहा है, जैसे मान लो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऑल्दो ये मैंने चीजें लास्ट वीडियो में भी किया, लेकिन उसमें ना ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में, वो बेस बनाने के लिए थी वीडियो। ठीक है, पहले उसे जरूर देखना है। ऐसा कुछ दे रखा है पी वन वाई पी वन डी वाई बाई डी एक्स और पी टू वाई इक्वल टू पी थ्री, ऐसा कुछ दे रखा पी थ्री जब पी वन पी टू पी थ्री आर फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मान लो इसके दो सोल्यूशन है वाई वन एंड वाई टू, y1 एंड y2, तो एक चीज ध्यान रखना देन y इज इक्वल टू y1 c1 y1 प्लस c2 y2 इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अब ये y1 और y2 कैसे होने चाहिए, दिस y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यार। बढ़िया, बहुत अच्छे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, ये चीज का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, मान लो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या होगा, इफ इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इज देयर तो क्या होगा, अगर nth डिग्री की इक्वेशन है तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर nth डिग्री की है तो n सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, तो c1 y1 प्लस c2 y2 अप टू सोन cn yn आ जाएंगे। एक चीज इसके साथ और ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें, कि अगर n डिग्री की इक्वेशन है, n सॉल्यूशंस आएंगे, अगर तुम्हें आर्बिट्रेरी इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है तो कितनी इनिशियल कंडीशंस चाहिए होंगी, n इनिशियल कंडीशंस चाहिए होंगी अगर तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो, ये चीज का भी ध्यान रखना। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी इनिशियल कंडीशंस, वरना हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास क्या आ रहा है कि सॉल्यूशन भी दो टाइप के, मतलब जनरल सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, ऐसा कुछ जनरल सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं। ऑल्दो मैं तुम्हें एग्जांपल से दिखाऊंगा कि निकलते कैसे हैं, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जनरल सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, लिख लो इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, और ये जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में होने वाला। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं कि ये होते क्या है अभी दो मिनट में, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, अब की बार जैसे मैंने डी वाई बाई डी एक्स को पी लिखा था, पी लिखने में भी मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करूंगा डी बाई डी एक्स को लिखा करूंगा डी, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखा करूंगा डी स्क्वायर, डी क्यूब बाई डी एन बाय डी एक्स एन को लिखा करूंगा डी एन।
ऐसा कुछ लिखा करूंगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अब कैसे लिख सकता हूं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, आज के बाद मैं इसे ऐसे लिखूंगा, डी स्क्वायर प्लस पी वन डी प्लस पी टू वाई प्लस पी टू, और पूरे में से कॉमन ले लो वाई को, इज इक्वल टू पी थ्री। कितनी इजी सी इक्वेशन बन गई यार। अगर मैं अब nth डिग्री की भी इक्वेशन लिखूं तो कितना इजी बन जाएगा, समझ पा रहे हो? ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे रिड्यूस हो जाएगी, तो कितना इजी हो जाएगा यार। मतलब ऐसे नोटेशंस को इजी बना लो तो आधा काम तो वहीं पे ही सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। मेन तो हमारा यही आने वाला था यार, ठीक है, मेन मैं इसी का इंतजार कर रहा था इतनी सारी बातें बताने के बाद। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स मतलब कहने का क्या है, डिग्री कितनी भी हो सकती है, हाँ डिग्री कितनी भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर सॉरी डिग्री कितनी भी हो सकती है, ऑर्डर कितना भी हो सकता है, लेकिन उल्टा बोल रहा है राजन, क्या कर रहा है, वापिस आ। डिग्री उसकी वन होनी चाहिए लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो nth ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, बड़ी ध्यान से कराने पड़ रहे हैं यार, ठीक है ना, गलती नहीं करना चाह रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। nth ऑर्डर, nth ऑर्डर मतलब कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है, बढ़िया। तो एक मैं तुम्हें चीज दिखाना चाहूंगा, पहले मैं कुछ रूल्स लिखवाना चाहूंगा, दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिख लो। सबसे पहले हमें ये रूल्स अगर हमने रट लिए तो आधा काम वहीं पर रिड्यूस हो जाएगा। ऑल्दो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी करा रखा, बट मैं फिर भी एक बार टेबल बना देता हूं। रूट्स ऑफ, अच्छा ये जो मैंने अभी डी वाली इक्वेशन बनाई थी, डी स्क्वायर डी क्यूब डी की पावर 4, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो लिख लो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, अभी दिखाऊंगा कैसे होता है यार, ये घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और यहां लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, पहले एक बार लिख लो ना यार, मैं फिर बताता हूं तुम्हें क्या होगा, एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कभी एक ही रूट आया, वन रियल रूट, एम वन ही आया सिर्फ, तो रियल रूट के लिए हमारे पास सॉल्यूशन कुछ ऐसा आता है सी वन ई की पावर एम वन एक्स, अप्लाई करके दिखाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। मान लो ये पहला केस है। दूसरा केस ये आ सकता है, मान लो दो रियल रूट है और दोनों के दोनों अलग है, टू रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, अभी मैं सेम वाले का भी बताऊंगा, दो रूट है लेकिन सेम, एम वन एंड एम टू। अगर एम वन एंड एम टू है तो सॉल्यूशन आएगा सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, ई की पावर एक्स और ई की पावर टू एक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होता, चेक कर लो, रोन्सकियन से चेक कर लो, जब भी तुम्हें चेक करना हो रोन्सकियन मेथड। मान लो टू रियल रूट है, टू रियल रूट्स बट सेम एम वन एम वन, तो क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा सी वन प्लस में सी टू एक्स ई की पावर एम वन एक्स, खत्म। फोर्थ सुनो, फोर्थ हमारे पास आता है थ्री रियल रूट्स बट सेम, थ्री सेम रियल रूट्स, भैया अगर कॉम्प्लेक्स आ गए तो क्या होगा, अब इसको भी बताएंगे, परेशान मत हो। मान लो एम वन एम टू एम थ्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर e की पावर एम वन एक्स। अब तुम समझ गए यार, अगर चार रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा, पांच होंगे तो क्या होगा, है ना, अगर सारे अलग अलग हुए तो इसमें भी तुम्हें पता है अब इसको कैसे एक्सपेंड करना, सी थ्री की पावर एम थ्री एक्स अप टू सोन। फिफ्थ हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वन पेयर ऑफ इमेजिनरी डिफरेंट रूट्स, तो लिख लो। इसमें थोड़ा सा यार सोचने वाले चीज होती है, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। वन पेयर ऑफ इमेजिनरी डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इसका आंसर आता है सी वन ई की पावर, तो बाहर ही रहेगी, मान लो कुछ ऐसा है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो इसमें था ई की पावर अल्फा
x, थोड़ा ध्यान से लिखेंगे इसे, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ध्यान से नहीं यार, एक बार मैच कर लो मैंने क्या लिखा है। अल्फा होता है रियल पार्ट, बीटा होता है इमेजिनरी वाले के साथ वाला पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। बढ़िया, ये हमारे पास आ गया है। दूसरी चीज हमारे पास ये आती है, अगर दो लास्ट हमारे पास क्या आता है, सिक्स्थ पार्ट है, टू पेयर्स ऑफ इमेजिनरी एंड बट सेम रूट्स। तो क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये हमारे पास। तो क्या होगा, तब हमारे को देखना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, e की पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स, ध्यान से देखना यार, कॉस बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स। मैंने कोई गलती नहीं की अब, ठीक है ना, बार बार थोड़ी करेंगे यार। कितने डिग्री की क्वेश्चन होगी भैया, इसके चार रूट्स आ रहे हैं, प्लस माइनस चार रूट्स आ रहे हैं, तो चार आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होने चाहिए, चार ही हैं, तो मतलब हम सही चल रहे हैं। बढ़िया भैया, अगर आप क्वेश्चन करके दिखा दो तो मजा आ जाए। ये बढ़िया था गुरु, तो एक कर ही लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला काम कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, उसका थोड़ा सा मेथड बता देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, तुमने वो डी स्क्वायर डी 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 सारा कुछ लिख दिया, तो ऐसी इक्वेशन बन गई, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू कोई भी फंक्शन है, तो तुम उसका सिंपल आंसर कैसे लिखोगे, एफ क्यू अपॉन एफ ऑफ डी। भैया समझ नहीं आया, ऑल दो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, बट एग्जाम्पल से ही समझ आएगा जो कि मैं तुम्हें अब दिखाने वाला हूं। अच्छा एक 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 दो चीजें बता दूं, वन बाय डी इंटू क्यू का मतलब होता है इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स विद नो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, नो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन तो होगी लेकिन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नहीं आता इसमें, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया, मान लो कभी ऐसा आ गया वन बाई डी माइनस ए क्यू, ऐसा कुछ आ गया तो क्या करोगे, तो इसमें होता है ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ होगा, अंदर माइनस आ जाएगा। अगर यहां पे माइनस है तो अंदर माइनस आएगा। अभी मैं इन सारों को अप्लाई करके दिखाता हूं। भैया इतनी देर से बोल रहा है अप्लाई करके दिखाता हूं, अप्लाई करके दिखाता हूं, दिखा भी दो, ठीक है आ जाओ, चलो क्वेश्चन ही लेते हैं। चलो पांच डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं इनमें भी, मतलब मैंने तुम्हें अभी छह टाइप तो इसके कराए हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बता दिया है तुम्हें, पर्टिकुलर इंटीग्रल के भी पांच टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है, थीके? तो मैं पांच के पांच ही तुम्हें कराने वाला हूं, कुछ भी छुड़वाऊंगा नहीं। लेक्चर मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन छुड़वाने कुछ नहीं वाला हूं। तो डायरेक्ट पांच मेथड से स्टार्ट कराना चाहूंगा, फाइव स्टैंडर्ड मेथड्स। चलो सबसे पहला मेथड है, मान लो कभी एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स आ गया, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, पुट डी इज इक्वल टू ए, डी को एक से रिप्लेस करना, मान लो डिवाइड में जीरो बन गया, फिर मान लो नहीं बना पहला केस, नहीं बना तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी को ए से रिप्लेस करा आंसर आ गया। मान लो केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर का मतलब एफ ऑफ ए हमारे पास जीरो आ रहा है, एफ ऑफ ए हमारे पास जीरो आ रहा है, तो क्या करें भैया, तो एक काम करो ऐसे लिखो x 1 बाय f ऑफ d e की पावर ax और कर दो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, तब हमें दोबारा वापस मेथड पे आना पड़ेगा। एक और बार केस ऑफ फेलियर होगा तो लिखोगे x स्क्वायर 1 बाय f ऑफ d डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, अप टू सोन। एग्जाम्पल देखो,
मान लो कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन का एग्जांपल ही लेना पड़ेगा मुझे, मैं सोच रहा था सारे के सारे एक साथ पहले लिखवा दूं, एक बार लिख लेते हैं यार, थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लो यार मेरे साथ, प्लीज 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 प्लीज, एक बार मैं सारे मेथड लिखवा दूं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन करेंगे, मजा करेंगे एकदम। दूसरा लिखो, दूसरा अपने पास मेथड है, मान लो नीचे एफ ऑफ डी स्क्वायर का फंक्शन बन रहा है और यहां पे साइन ए एक्स है और कॉस ए एक्स है, तो क्या करोगे? तो भैया हम इसमें रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इट, दोनों में, एक में नहीं दोनों में। इसमें भी केस ऑफ फेलियर में सेम ही मेथड रहने वाला है, एक्स को आगे लिखो, डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, केस ऑफ फेलियर में हमेशा यही होगा, एक्स को आगे डिफरेंशिएशन डी के रिस्पेक्ट में। तीसरा मेथड, क्वेश्चन कराएंगे, कह दिया ना, घबरा क्यों रहे हो, एक तो यहां पर इतना चल के आना पड़ता तुम्हें डांटने के लिए। अगला लिखो, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड, विच इज, कभी मान लो एक्स की पावर एम आ गई तो क्या करोगे, कहां गया रे थर्ड मेथड, ये रहा, एफ ऑफ डी एक्स की पावर एम टाइप का आ गया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यूज बाइनोमियल थ्योरम, यूज बाइनोमियल थ्योरम, अभी बताते हैं कैसे करनी है। फोर्थ कुछ ऐसे है, अब इनके कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। अच्छा मैं कुछ पहले इसके साथ, फोर्थ से पहले कुछ एक्सपेंशन लिखवा दूं, वन प्लस डी की पावर माइनस वन दे रखा तो कुछ ऐसी एक्सपेंशन होती है, वन माइनस डी के साथ कुछ ऐसे दे रखा तो वन माइनस वन प्लस डी प्लस डी स्क्वायर अप टू सोन इन्फिनिटी तक, जितने भी डेरिवेटिव हमें चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे अभी बताऊंगा। वन प्लस डी की पावर माइनस वन हो तो अल्टरनेट चलता है, वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब अप टू सोन, वन माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, वन प्लस टू डी अप टू सोन, इतने ज्यादा डेरिवेटिव की हमें कभी जरूरत पड़ते नहीं है, बट मैंने लिखवा दिया। अब फोर्थ मेथड लिख सकते हैं, तो उसे लिख लो, वन बाय एफ डी, अगर मान लो कॉम्बिनेशन आ गया e की पावर ए एक्स और साथ में कोई और फंक्शन आ गया साइन या फिर x की पावर कुछ, तो कैसे करते हैं, e की पावर x को आगे ले जाओ, e की पावर x ए एक्स को आगे ले जाओ, तो ये बन जाएगा d प्लस a और फिर ए एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। अब भैया आप पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई है, अब क्वेश्चन आपने बढ़िया कराने हैं किसी भी हालत में, ठीक है भैया जैसा आप कहें। तो वन बाय एफ ऑफ डी, मान लो तुम्हारे पास एक्स और एक्स दो फंक्शन आ गए एक साथ, तो क्या करने वाले हो, एक तो x है सिंपल और दूसरा कैपिटल x है जो कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन ऑफ स्मॉल x, तो इसका कुछ सॉल्यूशन ऐसे आने वाला है, इसका कुछ सॉल्यूशन ऐसे आता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू x 1 बाय f ऑफ d x प्लस में 1 बाय f ऑफ d d बाय d 1 बाय f ऑफ d x, ऐसा कुछ, ठीक है, इसी तरह इस पे अप्लाई हो जाएगा, पहले तो इसको इसके साथ अप्लाई करना है फिर डेरिवेटिव करना है, दैट इज इट, और नहीं मैं बहाने बनाने वाला हूं, अब तुम्हें क्वेश्चन पक्का कराता हूं, चलो आ जाओ पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है d की पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस में 4 साइन x। अब देखो जिसका था हमें इतना इंतजार वो घड़ी आ चुकी है, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना है वो जो इससे पहले कराते, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सबसे आसान, सबसे पहले क्या करो, d को रिप्लेस कर दो m से, m ही था ना रूट में, तो ऐसे लिख दो m की पावर 4 प्लस में 2m क्यूब माइनस में 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहले इसके रूट्स निकाल लो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, यह हमारे पास आ गया, इसके बाद m स्क्वायर यहां से कॉमन आ रहा तो बचेगा m स्क्वायर प्लस में 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा m स्क्वायर, है ना, है ना, है ना, तो m स्क्वायर 3 माइनस 1
3m माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा m प्लस 3 m माइनस 1, तो m स्क्वायर m प्लस 3 m प्लस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो रूट्स आ रहे हैं 0 0 माइनस 3 1। भैया आपने 0 का कुछ नहीं बताया था, 0 का क्या करें, तो बड़ा आसान है यार, सेम रूट आ रहे हैं ना, सेम के लिए मैंने अभी क्या बताया था नोटबुक में देखना, अभी ऐसा कुछ लिखा था C1 प्लस में C2x e की पावर, सेम वाला रूट है 0x, हाँ भैया ये बताया था। C3 के लिए लिखोगे e की पावर माइनस के 3x और C4 e की पावर x, हाँ तो क्या आंसर, हाँ मुझे पता है ये 1 हो जाएगा, तो ठीक है ना, आंसर तो आया ना। सेकेंड पार्ट, ये तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया ना, इसको y1 मान लो। अब हमें दूसरा सॉल्यूशन निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहां से निकालना होता वो, आ जाओ निकालते हैं, तो ये बन जाएगा पर्टिकुलर pi इज इक्वल टू 1 बाय fd इनटू में इज इक्वल टू वाला लिखना है 3 e की पावर 2x प्लस में 4 sin x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाय d की पावर 4 प्लस में 2d क्यूब माइनस में 3d स्क्वायर 3e की पावर x प्लस में 4 साइन x। ध्यान से देखना यार, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए अलग अलग लगवाना है। तो हमें पता है e की पावर x में मैंने क्या बताया था, जो भी इसके साथ होता ना a, उसको d में डाल दो। अगर मैं यार d में डालूंगा तो देखो क्या हो रहा है, पहले ही केस ऑफ फेलियर का आंसर पहले ही केस ऑफ फेलियर आ गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर x प्लस 1 बाय d की पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर साइन x, ऐसा कुछ बन रहा है। 1 डालो इसमें, d की जगह 1 डालोगे तो 1 2 माइनस 3 खत्म 0। तो क्या करें, जब भी 0 हो रहा था तो मैंने कहा था साथ में लिखो एक x, किसकी, मैथ की। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, विच इज 3d क्यूब प्लस में 6d स्क्वायर माइनस में 6d, देखना सही लिखा, हाँ e की पावर x, और यहां पे क्या करना होता था, d स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, मैं यहां लिखता हूं कहीं पे, ये देखो d स्क्वायर को लिख दो माइनस के a स्क्वायर। भैया यहां पे a क्या है, साइन के, साइन में x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो d स्क्वायर को रिप्लेस कर दो माइनस 1 से, देखते हैं क्या होता है, माइनस 1 इसका रूट तो है नहीं वैसे, d स्क्वायर को माइनस 1 से करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, ये d स्क्वायर को माइनस 1 से करोगे तो माइनस 2 माइनस में 3 सॉरी यहां पे एक d भी बचेगा ना, d क्यूब को लिख सकता हूं d स्क्वायर इंटू d, तो d स्क्वायर को माइनस 1 लिख दिया मैंने, यहां पे बचेगा प्लस के 3, d स्क्वायर को माइनस 1 बचेगा साइन x, देखते जाओ अभी। चल, ये हमारे पास आ जाएगा 3x, y2 निकाल रहे हैं हम 3x, अब x को d को 1 रख सकते हो तो बचेगा 1 बाय 4 प्लस 6 माइनस 6, 6 से 6 कट गया, आप कोई दिक्कत नहीं, हमें e की पावर x 1 अपॉन ये बचेगा माइनस के d प्लस के 3 माइनस के डी प्लस के 3 साइन एक्स, अभी भी बात नहीं बन रही, डी अभी भी आ रहा है, क्या करें, एक काम करते हैं इसको लिखते हैं, ये बचेगा 3x अपॉन में 4 e की पावर x, ये तो सेटल हो गया, इसमें से डी खत्म करना है आप, तो देखो कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन पता है क्या होती है, पहले तो इसको 3 माइनस डी लिख लो, रैशनलाइजेशन होती है 3 प्लस डी, और नीचे भी 3 प्लस डी लिखोगे तो 9 माइनस डी स्क्वायर बनेगा साइन एक्स, ये आ जाएगा 3x अपॉन में 4 e की पावर x, फिर से 1 d स्क्वायर की क्या जगह क्या रखना है, माइनस 1, इस बार माइनस 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 10, है ना, d स्क्वायर को माइनस 1 रखते हैं साइन के केस में, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, मुश्किल लग रहा है तो मुश्किल है, लेकिन रिवाइंड करके देख लो समझ आ जाएगा, 3x अपॉन 4 e की पावर x प्लस में 3 बाय 10 साइन x प्लस 1 बाय 10 साइन की होती है cos x, दिस इज y2, y1 निकाल लिया था, y2 निकाल लिया था, फाइनल हमारा जनरल सॉल्यूशन आ रहा है y1 प्लस y2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर।
लिखना ही पड़ेगा एक बार को, तो C1 प्लस C2x, देखो उसमें कोई कांस्टेंट आया है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आया, प्लस में C3 की पावर माइनस 3x प्लस C4 की पावर x प्लस 3x अपॉन 4 की पावर x प्लस 3/10 साइन x। सोचो एग्जामिनर जो बनाता होगा बंदे टाइपिंग वाले को कितने पैसे ले लेता होगा टाइपिंग वाला, भैया ये टाइप करना मैं सॉल्यूशन, चार ऑप्शन बनाने और सोचो इसके अलग अलग जान निकाल लेते होंगे टाइपिंग वाले की, एग्जामिनर है ना। चलो बढ़िया, एक और क्वेश्चन बनता भैया इस पे, तो एक और क्वेश्चन। सो अब हम वापस आ चुके हैं यहां पर अपने पुराने सेटअप पे, तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यह हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, माइनस 3dy बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x। लेट मी सी, हाँ यही है। तो सबसे पहले हमें PI निकालना होगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको लिख दो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस में 2y इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x। ठीक है, यहां से हमारे पास y आ जाएगा, मतलब इसको y1 बोल देते हैं, 1 by d square minus 3d plus 2 x square plus में x। ये हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, मैंने कहा था इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, कैसे लगानी है वो देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, हाँ वीडियो बन रही है। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 1 plus d square minus 3d upon में 2 और पूरे की पावर 1 x square plus x, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसको ऊपर लेके जाओ, यह आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस अपॉन 2 पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पावर को आगे लेके आएंगे, बाइनोमियल थ्योरम अभी बताई थी मैंने, सिंपल क्या करो इसमें ज्यादा हायर ऑर्डर चाहिए नहीं होंगे, तो आगे बस पावर को ले उतने में काम चल जाएगा हमारा। डी स्क्वायर बाय 2 मतलब पावर आगे ले आएंगे तो यह हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 2 3d अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तुम कहोगे भैया वो हायर पावर कहां गई, हायर पावर जो हायर पावर है हमारे पास उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि छोटा सा ही तो है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है। तो ये आ जाएगा 1 बाय 2, अंदर भेजोगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो सिंपल ही आ गया। फिर माइनस के 1 बाय 2 डी स्क्वायर से इसको करोगे तो इसका तो चलेगा कुछ नहीं बचेगा, सेकंड डेरिवेटिव पूरे उड़ा के ले जाएगा इसे, इसका 2 बचेगा तो ये आ जाएगा 2। फिर माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2 और डेरिवेटिव करोगे इसका, डेरिवेटिव क्या देगा 2x प्लस में 1। तो ये हमारे पास तामझाम सा बच रहा है, जो भी है भैया उसको सॉल्व कर लेना। फिर हमारे पास y2 निकालना होगा, जो कि हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस में 2 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस के 3m प्लस 2m, यह आ जाएगा 2m माइनस के m प्लस 2 इक्वल टू 0 विच इज m माइनस 2 m माइनस 1। m की वैल्यू आ गई 1 और 2, इसका आसान सा एक आंसर आ जाता, देखो इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता, इसमें आएगा y2 आ जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x एंड दे बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चाहे तो चेक भी करके देख लो, नहीं विश्वास हो रहा चेक करके देख लो, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे पता भैया आपको, यार रोन्सकियन मेथड से पता मेरे को, ठीक है लगा के देखो आराम से और तुम्हें दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा जगह बना ले, पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी हमें। अब हम एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन ही लेते, बस उसमें फंक्शन में ई की पावर एक्स के साथ मिक्स कर देते हो क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2dy/dx प्लस में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, ये है हमारे पास, ठीक है ध्यान से लिख लो। हाँ बढ़िया, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते, जो मर्जी पहले निकाल ले यार, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस में 1 विच इज m माइनस 1 का होल स्क्वायर, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मतलब m के दो रूट आ गए 1 1, सेम रूट आ रहे हैं तो हमें पता है y1 आ जाएगा c1 प्लस c2x e की पावर x, m हमारे पास 1 दे रखा है। बहुत बढ़िया, PI निकालते हैं, तो PI निकालने के लिए क्या करें, y2 is equal to 1 upon d square minus 2m
प्लस वन एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अब हमारे पास थोड़ा सा बढ़िया चीज आने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है? एक मिनट देना बस मुझे, कुछ नहीं, ठीक है? हाँ, तो मैंने इसमें क्या कहा था, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यार, d माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना, जिसमें मैंने क्या कहा था, e की पावर 3x को अगर तुम्हें आगे लाना है तो हमें d को किससे रिप्लेस करना होगा, इसकी पावर से, तो d प्लस 3, अगर यहां पे a होता तो d प्लस a लिखते हैं ना, इसका होल स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e की पावर 3x 1 अपॉन में 3 में से 3 में से 1 माइनस करोगे 2 बचेगा, d प्लस 2 होल स्क्वायर x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप पावर को ऊपर लाते थे, बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी यहां पे, तो ये बन जाएगा d 1 प्लस डी होल की पावर 2 एक्स स्क्वायर, यहां पे e की पावर 3x पावर आगे आ जाती है 1 माइनस 2d, इससे ज्यादा तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी डेरिवेटिव, इस बार सॉरी फॉर दैट, इस बार जरूरत पड़ जाएगी हमें, तो ये आ जाएगा पावर आगे, यार कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना हम, कर रहे हैं, ये 2 भी तो था ना, 2 को भी कॉमन लेना पड़ता, 2 को कॉमन लोगे तो 4 बाहर आएगा और ऊपर जाएगा 1 प्लस डी बाई 2 की पावर माइनस 2, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, ध्यान से देखना यार, कुछ अभी तो नहीं गड़बड़ कर रहे, नहीं अब ठीक, ये 4 बाहर आएगा, अंदर बाइनोमियल थ्योरम लगेगी 1 माइनस 2 डी बाई 2 प्लस 3 डी बाई 2 का स्क्वायर अप टू सोन, सेकंड डेरिवेटिव तक बात बन जाएगी, ठीक है, ई की पावर 3x अपॉन में 4 1 माइनस डी, डी का मतलब डेरिवेटिव, और यहां हो जाएगा 3 बाई 4 डी स्क्वायर, बस बाकी डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, e की पावर 3x अपॉन में 4 अंदर लेके जाओगे तो x square का डेरिवेटिव 2x, एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो 6, दिस इज द फाइनल आंसर, y1 plus y2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, इसको एक बार देखो, तब तक मैं इंक फिल कर लूं इसमें, सो आई होप कि यहां तक तुमने लिख लिया होगा। इसके बाद अब हमारे पास, अभी तो मैं कॉन्स्टेंट इसके कोफिशियंट्स ले रहा हूं ना, अब इसके कोफिशियंट्स भी वेरिएबल आने वाले, मतलब इसके जो आगे तुम्हें नंबर दिख रहे थे ना अभी, जैसे माइनस टू दिख रहा है इसमें, ये डीवाई बाई डीएक्स आगे माइनस टू दिख रहा है, अब इसके आगे भी हमारे पास फंक्शंस आने वाले हैं, उसकी भी कुछ कैटेगरीज होने वाली है, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम आ जाए उसके लिए भी मेथड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। वो इजी की कैटेगरी में सबसे पहला आता है कोशीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो लिखो सबसे पहली कोशीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो कुछ ऐसे को देखने में, ऐसा देखने में प्रतीत होता है कुछ, कोशीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, और देखने में मतलब इसको अगर मैं और एनालाइज करूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, P नॉट x की पावर n, जितना यहां पर डेरिवेटिव होने वाला है उतना ही x की पावर भी एग्जिस्ट करेगी साथ में, तो उसे कोशीज होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस अप टू सोन, लास्ट में जाते जाते पी एन इज इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस है तो इक्वल टू साथ में y इक्वल टू क्यू, ऐसा कुछ दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, एंड में जाते जाते x की पावर जीरो हो गई, पहले x की पावर n थी ना, मतलब यहां पे nth डेरिवेटिव था तो n पावर, जीरोth डेरिवेटिव है तो जीरो पावर x की। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करो, x को पुट कर दो e की पावर z, या फिर z को एंड में लिख देना log x, बात तो एक ही है। यहां पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी, मैं मेथड समझाने वाला हूं, एक स्टेप तो ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तुम x dy by dx को इस बार क्या रिप्लेस करने वाले हो, अगर तुम सिंपल मतलब इस बार तुम इस चीज को d बोले इसको या कोई और नोटेशन दे, d ठीक है, पहले इसे x d लिखा करते थे या थी, क्यों न्यू नोटेशन लेके आनी है ना, इस चीज को अब हम लिखा करेंगे d, इस कंबाइंड चीज को हम लिखा करेंगे d, तो भैया सेकंड डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन प्रूफ हमारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को हम लिखा करेंगे d माइनस वन, ऐसे ही x क्यूब वाले को क्या लिखा करेंगे, d माइनस वन डी माइनस टू अप टू सोन, जितने भी डेरिवेटिव होंगे, ठीक है, वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होगा, सॉल्व करने का मेथड कुछ नहीं बदला है,
मेथड वही है जो अभी तक करते आए, बस इन चीजों को अब ऐसे रिप्लेस कर देना। भैया ये आपने कैसे किया, तो तुम इसके लिए पूरा प्लेलिस्ट मैंने बड़ी सी बना रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अभी तो यार एक मंजिल सीरीज में मैं तुम्हें मेथड ही समझा रहा हूं अभी, तो ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, बस ये मेथड है ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें इस पे, ठीक है। इसका एक जनरलाइज्ड मेथड भी है, वो अभी मैं इसके बाद कराऊंगा, अभी सिर्फ एक्स आना चाहिए इसके आगे, ठीक है। चलो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, एक्स की पावर 4 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है, और 2x क्यूब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। अब तुम बड़ी ध्यान से देखो, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करना है ना, तो ये हो जाएगा एक एक x से डिवाइड कर दो, बस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और यहां पे भी खत्म, यहां पे आ जाएगा x। कोशिश इक्वेशन लग रही है, तुम्हें पता है जहां पे x होगा उसको e की पावर z पुट करना है, और बाकी में x क्यूब इसको क्या पुट करोगे, इसको पुट करोगे d d माइनस 1 d माइनस 2, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, प्लस में 2 d d माइनस 1, फिर माइनस में d, फिर प्लस में 1, इस पूरे को रखोगे ब्रैकेट में, साथ में लिखोगे y इज इक्वल टू 1 बाय e की पावर z, e की पावर z ऊपर जाके माइनस e, e की पावर माइनस z हो जाएगी, वो अलग बात, अभी उसको भी देखेंगे। ये बन जाएगा d डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 प्लस में 2 डी स्क्वायर माइनस डी माइनस डी प्लस 1 वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एड। आई होप कि यहां तक समझ आ रहा हो, ठीक। ये हो जाएगा d क्यूब माइनस के 3d स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है शायद ये, 2d प्लस में 2d स्क्वायर माइनस में 2d माइनस के d प्लस के 1। आई होप कि आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, 3d स्क्वायर 2d स्क्वायर, तो ये बन रहा है d क्यूब माइनस d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 y इक्वल टू e की पावर माइनस z। बाकी का क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, बाकी का तुम करोगे, सेम भैया पर्टिकुलर इंटीग्रल इस बार तुम्हें करना है, सेम वही पर्टिकुलर इंटीग्रल जो पहले कर रखा, चाहे तो इसके रूट भी बना लो। ये बन जाएगा d कॉमन लेके d स्क्वायर माइनस d माइनस 1 कॉमन लोगे, तो एक काम करो इन दोनों में से d स्क्वायर कॉमन ले लो, तो d माइनस 1, या बन जाएगा माइनस कॉमन लेके d माइनस 1 y इक्वल टू e की पावर माइनस z विच कम्स आउट टू बी d स्क्वायर माइनस 1 d माइनस 1, ठीक है, y इक्वल टू e की पावर माइनस z, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें, नहीं, क्यूबी की क्वेश्चन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना तो बड़ा आसान है इस बार, है ना, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 डी माइनस 1 ई की पावर माइनस z, ई की पावर माइनस z मतलब ये पावर d की जगह रख दो, d की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 केस ऑफ फेलियर आ रहा है। केस ऑफ फेलियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे रखते हैं एक, लाते हैं x और नीचे करते हैं डेरिवेटिव, पता नहीं ये फॉर्म में मैंने क्यों ही चेंज किया, डेरिवेटिव इसका कर दो तो ये बचेगा 3d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1 e की पावर माइनस z दोबारा। अब इसकी जगह माइनस 1 रख के देखो तो ये हो जाएगा x माइनस 3 नहीं प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 4, तो ये बच जाएगा 1 बाय 4 x e की पावर माइनस z, e की पावर माइनस z है और मैंने कहा था z को पुट करना है log x, अगर तुम यहां पे log x पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 बाय 4 x e की पावर माइनस के log x, माइनस को ऊपर भेज दो तो ये बन जाएगा 1 बाय 4 x e की e से log कैंसिल होके बचेगा 1 बाय x विच इज 1 बाय 4, और बाकी तो तुम रूट्स तो यहां से निकाल ही सकते हो, ये तो मैं बता देता हूं। अगर तुम्हें लग रहा होगा ना कि भैया बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो, तो करा रहा हूं, इजी है यार, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा m
भैया मैंने तो रबी कर दिया उसे, एम स्क्वायर एम माइनस वन, आई होप कि यही था। रूट कितने दिख रहे हैं तुम्हें, वन वन माइनस वन, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका दूसरा वाई टू बन जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस में सी थ्री ई की पावर माइनस एक्स, और वाई वन हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है वन बाय फोर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। खत्म भैया, ओए जेड आना चाहिए यहां पे, अभी तो जेड चल रहा है ना, अभी जेड आएगा, तो जेड को रिप्लेस दोबारा करना पड़ेगा लॉग एक्स से, तो सी वन सी टू लॉग एक्स ई की पावर लॉग एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर माइनस लॉग एक्स, माइनस ऊपर जाएगा ये कुछ ऐसा बचेगा वन प्लस सी टू लॉग एक्स, ई से लॉग कैंसल एक्स प्लस में सी थ्री, पावर ऊपर जाएगी तो वन बाय एक्स, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। और साथ में वाई टू ये है, वाई वन क्या है वन बाय फोर, दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं। एक क्वेश्चन बहुत है बाकी, अगर तुम्हें इनिशियल कंडीशन दी होंगी तो तुम उसको भी अप्लाई कर सकते हो। बढ़िया, दूसरी सुनो, इसी का ही एक्सटेंशन, इसी का ही कह सकते हो, इसी का ही तुम कह सकते हो एक एक्सपेंडेड मेथड कह सकते हो, ठीक है। अगर पिछले वाले में मैंने कोई गलती की हो तो मेरे को जरूर बता देना यार। Z को log x रखना था, ठीक है, मेरे ख्याल से तो नहीं हुई है, फिर भी कोई गलती हुई तो जरूर बताना यार, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लेजेंड्रेज इक्वेशन, इसी की एक्सटेंशन मान लो बस, ठीक है, इक्वेशन। इसमें बस पिछले वाले में क्या था, x की पावर n d nth डेरिवेटिव यहां पे होता है a प्लस बी एक्स की पावर n p नॉट। तुम कहोगे भैया ये तो पिछले वाले का एक्सटेंशन सा लग रहा है, एग्जैक्टली वही है, a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन डी एन वाई एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन अप टू सोन करते करते पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, यहां पे a प्लस बी एक्स को पुट करते हैं e की पावर z और z आ जाएगा log a प्लस बी एक्स जो भी है, ठीक है। बढ़िया, यहां पे कैसे करने वाले हो, यहां पे भैया a प्लस बी एक्स डी बाय डी एक्स, इस चीज को हम पुट करने वाले हैं कैपिटल D, ठीक है, इस चीज को क्या पुट करने वाले हैं कैपिटल D। कुछ गलती की है क्या, साथ में एक B भी आएगा, पिछली बार कुछ नहीं था X के साथ, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। बढ़िया, और भैया अगर हम बात करें A प्लस बी एक्स स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा, तो यहां पर तुम्हें सेकेंड डेरिवेटिव के लिए लिखना होगा बी स्क्वायर डी डी माइनस वन, अपने दिमाग में छाप लो ये इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, अप टू सोन सबका ही लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, बस बी की पावर लिखना मत भूलना वरना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हम जाना चाहेंगे क्वेश्चन पे, अच्छा यहां से एक्स की वैल्यू थोड़ी अजीब सी आएगी, एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ई की पावर जेड माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू एक्स। बढ़िया, इक्वेशन पे क्वेश्चन ना बने तो फिर मजा नहीं आता, तो लिखो वन प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर कॉस लॉग वन प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारे को दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है इसका सॉल्यूशन, तो ठीक है कर लेते हैं, पिछले वाली इक्वेशन से मैच भी हो रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है बस यहां पे, ठीक है, यार मैंने कुछ गलती की है, इसका होल स्क्वायर दे रखा, अब ठीक है, तो वन प्लस एक्स को जैसा कि हमें हमारा कर्तव्य पता है ये पुट करना है, या फिर एक्स को पुट करना है ई की पावर जेड माइनस वन, ठीक है देखते हैं, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, b तो यहां पे 1 ही है ना, a प्लस बी एक्स ऐसे था ना, b 1 है उसको दिक्कत, उसके लिए दिक्कत नहीं लेनी है, तो यह आ जाएगा d d माइनस वन, यहां आ जाएगा प्लस में d, यहां आ जाएगा प्लस में 1 और y, 4 cos log 1 प्लस x की जगह ये e की पावर
मैंने कुछ गलत लिखा ना, माइनस वन आएगा, e की पावर जेड माइनस वन, वन से वन गया, वन से वन गया तो बचेगा क्या, ये बचेगा e की पावर जेड, जेड आगे आ जाएगा, लॉग ई वन होता तो ये बचेगा फोर कोस जेड। देखा एक ही स्टेप में तुम्हारा भाई सब कर गया। ये बचेगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस वन। कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, इजंट इट इम्पॉसिबल टू डन इमेजिनरी रूट्स। चलो कोई नहीं, फोर कोस जेड ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू फोर कोस जेड। तो मैं अगर यहां से रूट निकालना चाहूं तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएंगे, बस इतना ही था इसमें, बाकी तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, ठीक है। आयोटा वाले मैंने बताए थे प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, बस इसमें इसमें बीटा है अल्फा नहीं है, तो कुछ ऐसा लिख लेना वाई इज इक्वल टू, ऐसे था ना e की पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा तो जीरो है, कॉस बीटा एक्स, सी वन कॉस बीटा एक्स, सी वन कॉस बीटा, बीटा भी वन है एक्स, प्लस सी टू साइन एक्स। ऐसे ही अगर हमें दूसरा निकालना हो तो यह आ जाएगा वाई टू इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वन फोर कॉस जेड। यहां पे z का कोफिशियंट हमें वन दिखाई दे रहा है और d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा माइनस के वन पुट करना होगा, तो केस ऑफ फेलियर बन रहा है, यहां पे आएगा z, है ना, यहां पे आएगा z वन अपॉन d स्क्वायर प्लस वन। यार अगर पिछले वाले में मैंने यहां पे गलती से केस ऑफ फेलियर में अगर x कर दिया था ना तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने गलती से केस ऑफ फेलियर में x लिख दिया यहां पे। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 2d आ जाएगा 4 cos z, अच्छा 4 तो बाहर ही ले लिया। अब हमें क्या करना है, 1 by d का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ d, इंटीग्रेशन ऑफ cos, ये आ जाएगा 2z, cos की इंटीग्रेशन होती है माइनस के साइन z, ठीक है, बस z को इससे रिप्लेस, कहां गया, हे वेयर आर यू, तो ये अच्छा ये log 1 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 2 log 1 प्लस एक्स। मैं तभी कहूं कुछ गलती हो रही थी यार, पिछले वाले में मैंने पक्का गलती की है, मैंने ना गलती से वो 1 by 4 लिखा था ना, जहां पे मेरे को याद आ गया मैंने कहीं पे 1 by 4 लिखा था, वो मैंने x से x काट दिया था, है ना, एक x आ रहा था एक 1 by x आ रहा था, एक्चुअल में वो 1 by x तो आएगा लेकिन यहां पे x की जगह z लिख लेना उसे, मैंने गलती की है पिछले वाले में, है ना, ध्यान से एक बार उसको करेक्ट कर लेना, जो यहां पे 1 by 4 z 1 by x था उसमें z को सॉरी x से x मैंने काट दिया था उसमें z लिख लेना ध्यान से, ठीक है, केस ऑफ फेलियर में मैंने थोड़ी सी गलती की है, तो यहां आ जाएगा माइनस माइनस साइन log 1 प्लस एक्स। इस बार ठीक है यार, इस बार निकाल के दिखाओ तुम गलती तो माने तुम्हें, ठीक बढ़िया बहुत अच्छे, बस यहां पर z को रिप्लेस, इस बार निकाल के दिखाओ तुम गलती, x को z को पुट कर देना log 1 plus x, ठीक है, बस इतना सा काम रह गया, चलो बढ़िया। उसके बाद हमारा एक और पार्ट क्लियर होता है, अब हमारे पास आती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऑल्दो डायरेक्टली इट इज नॉट गिवन इन द सिलेबस बट आई एम इंटरेस्टेड दैट यू शुड डू इट। एक आध क्वेश्चन करते हैं, अगर कभी दो इक्वेशन एक साथ दे दी डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा टॉपिक है। तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस डब्ल्यू वाई इक्वल टू जीरो, ऐसे ही कुछ दे रखा है, प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरा है डी वाई बाई डी टी माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जीरो। Solve this differential equation and show that the point lies on a circle. अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो हमें x और y के solution अलग अलग निकालने हैं। Simultaneous equation का मतलब था x in terms of t, y in terms of t निकालना पड़ेगा। तो let us see कैसे करते हैं। दो equation दे रखी है, पहले तो मैं d by dt को मान लूंगा capital D। तो दो equation तैयार हो जाएंगी मेरे पास कुछ ऐसी, dx plus wy और dy माइनस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है बढ़िया।
अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं इसको y से तो क्या होगा? ऊपर वाली इक्वेशन को x से और नीचे वाली इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ध्यान से देखना, एक मिनट रुको, ठीक कुछ नहीं, यहां पे कुछ गलती हो रही है क्या? इसको मुझे एलिमिनेट करना है, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको w से, देखते हैं क्या होगा। तो d स्क्वायर x प्लस w dy, क्योंकि w तो कांस्टेंट है, दूसरा हो जाएगा d स्क्वायर y माइनस w dx इक्वल टू जीरो। देखना कुछ बन रहा है इसमें से, इसमें से देखो कुछ बना, सेम सेम नहीं, दूसरी इक्वेशन को w से करने में फायदा लग रहा है मेरे को, w dy वाई माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो ठीक है, तो सही आ गया। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कुछ ऐसी मेरे को बनती दिख रही है। देखो पूरी इक्वेशन एक्स में होगी तभी तो सॉल्व कर पाऊंगा मैं, ऐड कर दो नहीं सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस में डब्ल्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, यहां से आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन निकाल लो। डी का आ गया प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, ओमेगा मतलब डब्ल्यू जो भी दे रखा है ये, और इसके रूट्स क्या आ जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स इजी, इसको m मान लेना ठीक है, x आ जाएगा c1 cos wt plus c2 sin wt, आ गया x का आंसर, बस खत्म हो गया, x की जगह डाल दो यहां पे, दैट इज इट, इतना इजी था ये, बस x की जगह वैल्यू डाल दो और खत्म हो गया अपना क्वेश्चन, इतना ही था। या तो तुम x की जगह यहां डाल दो या एक और भी काम कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए dx by dt निकाल लो, एक सॉल्यूशन तो मिल गया, बस y रह गया, कभी कभी इनिशियल कंडीशन के साथ दे देते हैं, तो dx by dt निकाल लोगे तो आ जाएगा माइनस के c1 ओमेगा cos sin wt प्लस c2 w cos ओमेगा t, यार ओमेगा मान लो इसे, ठीक है ना, यही तो है dx, dx की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आ जाएगा माइनस c1 w sin ओमेगा t w ओमेगा, कंफ्यूज हो गए हम, अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लो जो कि आ जाएगी इधर, बाकी चीजों को इधर भेज दो, w तो कॉमन आके जीरो ही हो जाएगा, ये बचेगा c1 sin ओमेगा t माइनस c2 cos ओमेगा t एंड दैट इज द फाइनल आंसर, बस इतना ही था। इसके बाद इन्होंने कहा था शो करके दिखाओ कि ये जो इस पे ये जो सॉल्यूशन आए हैं ये सॉल्यूशन से हम सर्कल की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, तो ये इन्होंने हमें चैलेंज दिया कि निकाल के दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ। तो हम एक काम करते हैं, स्क्वाडिंग एंड एडिंग आती है, एक ही चीज हमने बचपन में सीखी है तो उसे कर लेते हैं, स्क्वाडिंग एंड एडिंग। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो सी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कभी कभी ऐसे ऑप्शन में भी तो दे सकते हैं ना कि किस पे लाई करेगा, एलिप्स पे, सर्कल पे या किस पे, ठीक है, प्लस में c2 टू स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में 2c1 c2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, नेक्स्ट आएगा c1 वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी c2 टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के 2c1 c2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल हो गए टू वाले, इनमें से c1 कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन सी वन स्क्वायर बचा, इनमें से c2 वाले में से कॉमन लोगे तो यहां c2 का स्क्वायर बच जाएगा, सर्कल की ही इक्वेशन है। इस पूरे कंबाइंड को मैं c मान लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन आ गई, सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजन, सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजन, बढ़िया। भैया एक और क्वेश्चन तो बनता है, इजी वाला दें क्या, इजी वाला करके दिखाओ इस बार, तुम इजी वाला करके दिखा दो तो मान जाए तुम,
dy by dt equal to y, dx by dt equal to 2y plus x. ये वाला क्वेश्चन ही करके दिखा दो तो हम तुम्हें मान जाएंगे. सबसे पहले क्या करें, ऊपर वाली इक्वेशन तो सॉल्वेबल है, उसको सॉल्व कर लो. तो यह आ जाएगा dy अपॉन में y इक्वल टू dt. तो यहां से आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं. तो यहां से कितना आ जाएगा, log y इक्वल टू t प्लस में c. तो यह आ जाएगा y इक्वल टू e की पावर t प्लस c. e की पावर t, e की पावर c अलग अलग करोगे तो यह आ जाएगा c e की पावर t. इसको c डैश मान लो, ठीक है. y की वैल्यू आ चुकी है, इसमें डाल दो, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया. यह आ जाएगा, इज इट दैट इजी दैट वी आर डूइंग. देख लो एक बार, इतना इजी लग भी रहा है जितना मैं बोल रहा हूं इसको. देखते हैं, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू टू सी ई की पावर टी प्लस में एक्स, डी एक्स बाय डी टी माइनस के एक्स प्लस इक्वल टू टू सी ई की पावर टी. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है तो मुझे. इसके लिए क्या करते हैं भैया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ करता था e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, मतलब माइनस वन डी एक्स विच इज e की पावर माइनस के एक्स. और यहां हो जाएगा वाई इंटू, वाई नहीं है यहां पे, एक्स है ना, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू. क्यू का मतलब ध्यान से देख लेना, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं. यहां टी आएगा, यहां भी टी आएगा, यह आएगा e की पावर माइनस टी इंटू में दिस साइड इंटू में डी टी प्लस में सी. यह आ जाएगा x e की पावर माइनस एक्स, e की पावर टी कैंसल, बचेगा टू सी टी प्लस में सी. यह आ जाएगा x, इसको c डैश बोल लेना. यह आ जाएगा टू सी टी, हाँ तो ठीक तो लिखा है यार, ध्यान से देखो ना. यह आ जाएगा e की पावर टी ऊपर जाके c डैश e की पावर टी, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ x, सॉल्यूशन ऑफ y. यही हमें निकालना था, ठीक है. x और y हम निकाल चुके हैं, दैट इज द फाइनल आंसर. एक तुम्हारे लिए होमवर्क देके जा रहे हैं, ध्यान से कर लेना. दोनों इक्वेशन लिख देते हैं, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt. थोड़ा इसमें गुना भाग लगेगी, ठीक है. इसको dx dy लिखोगे तो इजी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है. पहली इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है dy by dt प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, प्लस 2x नहीं प्लस 5x, प्लस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0. बढ़िया. नेक्स्ट, नेक्स्ट पे अब हम चल चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत मुश्किल मेथड है, बट तुम्हारे राजन भाई का कहना है दिस इज द ईजीएस्ट अमंग द ऑल, क्योंकि ये मैं तुम्हें कराने वाला हूं रॉन्सकियन मेथड से, एंड रॉन्सकियन मेथड इज वन ऑफ द ईजी वन, ठीक है. चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया. पर्टिकुलर इंटीग्रल आज के बाद हम कुछ इस फॉर्मूला से निकाला करेंगे. पहले तो लिखो W क्या होगा, y1 dash y2 dash. धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है. और किस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, y डबल डैश पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू इक्वल टू जीरो, इक्वल टू r लिख लो r, ठीक है. ये टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे. इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल अब वैसे नहीं निकलेगा जो आज तक हम मेथड यूज करते आए थे, वो 1/d वाले, 1/ में लेके जाओ वो वाला मेथड नहीं, अब रॉन्सकियन मेथड लगेगा, ठीक है. अब न्यू मेथड एक आने वाला हमारे पास, जो कि कुछ ऐसे है कि माइनस के y1 इंटीग्रेशन y2 dx अपॉन में w प्लस y2 y1 dy अपॉन में w. मैंने शायद यहां पे कुछ मिस्टेक ना की हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं. हाँ, यहाँ पे एक x भी आएगा, ठीक है, इसको r आएगा, r dx, यहाँ पे भी r dx. अब ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैं कोई
नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन भैया ये y1 y2 क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिलेंगे हमें, ठीक है? नहीं भैया समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चन के बिना, तो एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, डबल डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल टू tan 2x। अब तुम खुद सोच के बताओ, क्या मैंने वो जो पिछले इक्वेशन तुम्हें लिखवाई थी उसमें यहाँ पे tan x वाला कुछ कराया था? नहीं भैया, आपने e की पावर x कराया था, आपने sin cos कराया था, आपने बाइनोमियल थ्योरम लगानी मतलब पॉलिनोमियल्स का कराया था, लेकिन tan का कुछ नहीं कराया। तो tan के लिए क्या करें, tan के लिए हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना होगा, जो कि कुछ ऐसे लगाते हैं। सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालो, वो तो सेम ही रहेगा मेथड, एम स्क्वायर प्लस में 4y इक्वल टू 0 या प्लस 4 इक्वल टू 0, एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 आयोटा, विच इज y की वैल्यू मैं लिखना चाहूं तो ये मिलेगी c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। इस चीज को हम बोला करते हैं y1, इस चीज को हम बोला करते हैं y2, कॉन्स्टेंट नहीं लेने, ठीक है, इसको बोलते हैं y2। बढ़िया, W निकालते हैं, W के लिए क्या आएगा, Y1 Y2 पहले तो सेम लिख दो, और उसके बाद इसके डेरिवेटिव माइनस के साइन 2x, माइनस के 2 साइन 2x, और यहां आएगा प्लस के 2 cos 2x। अब तुम बड़ी ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 2 cos square 2x प्लस 2 sin square 2x, 2 कॉमन ले लो और sin square प्लस cos square 1 होता है। बढ़िया भैया, मेरी तो W की वैल्यू ये आ रही है। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसको लिख दो, pi इज इक्वल टू माइनस के y1 क्या है, cos 2x, फिर इंटीग्रेशन y2 है sin 2x, और फिर r है tan 2x अपॉन में w इंटू dx। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, मुझे पता शायद यहां रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी लाइट की, प्लस में y2 साइन 2x इंटीग्रेशन y1 cos 2x, ठीक है, और tan 2x अपॉन में 2 इंटू dx, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। खत्म हो चुका है, इतना ही था, ठीक है, बाकी कर लोगे, इंटीग्रेशन करनी है सिंपल सी, यहां पे तो cos कैंसिल ही हो जाएगा, इसको भी साइन अपॉन cos लिख के, और cos को 1 माइनस करके दिखाऊं, pi इज इक्वल टू, थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 बाहर साइन 2x, यहां भी साइन अपॉन कॉस लिखना है तो इसको साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस 2x लिख देना, साइन स्क्वायर को भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 2x अपॉन में कॉस 2x, इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हो, तो इसी में ही देखना मैं सारा कर दूंगा, secant 2x माइनस के cos 2x इंटू dx। अब तो कर लोगे यार इंटीग्रेशन, है ना, बढ़िया, प्लस में sin 2x अपॉन में 2 इंटीग्रेशन, यहां रह जाएगा sin 2x dx, खत्म। ये रहा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये रहा cf, दोनों को प्लस करो, आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। एक और करना चाहेंगे यार इससे, ये मेथड क्योंकि हमें हाथ में रखना, अपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही होने वाले हैं, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन इस पे कराना चाहूंगा, ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मल फॉर्म का कराता हूं, वो भी बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, फिर रॉन्सकेन के कुछ प्रॉपर्टीज पर चलेंगे जो कि एकदम खतरनाक प्रॉपर्टीज है। y डबल डैश माइनस के 2y डैश प्लस y इक्वल टू e की पावर x log x, लेट मी सी, हाँ e की पावर x log x, क्या करें, सबसे पहले d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इक्वल टू, वो थोड़ा दिवाली का माहौल है तो बाहर अगर शोर आए तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ये बन रहा है m-1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी 1, तो y आ जाएगा हमारे पास c1 e की पावर x प्लस c2 e की, नहीं सेम ही रूट आ रहे हैं, तो आएगा c1 प्लस c2x e की पावर x, ठीक है। पहला हमें यहां पे फंक्शन मिल रहा है c1 e की पावर x, दूसरा मिल रहा है c2 x e की पावर x, हमें निकालना है w में y1 होगा e की पावर x और ये होगा x e की पावर x, फिर ये इसकी पावर, इसकी डिफरेंशिएशन सेम, इसकी डिफरेंशिएशन होगी e की पावर x प्लस में x e की पावर x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2x प्लस x e की पावर 2x, ठीक है,
माइनस में x e की पावर 2x, इससे कट जाएगा, बचेगा e की पावर 2x जो कि हमारा w आ रहा है। हमें क्या निकालना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बताया था? माइनस के y1 e की पावर x इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन y2 x e की पावर x इंटू में राइट साइड पे क्या दे रखा है? e की पावर x log x अपॉन में w e की पावर 2x जो कि इससे पूरा पूरा कैंसिल ही हो रहा है इंटू dx, प्लस में x e की पावर x y1 e की पावर x log e की पावर x log x अपॉन में e की पावर 2x dx, ये भी पूरा कैंसिल होगा, खत्म हो गया। अगर कुछ इसमें u into v लगा लेना और log x की तो डिफरेंशिएशन तुम्हें इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, x माइनस x log x, खत्म हो चुका क्वेश्चन। तो इतने छोटे छोटे और इजी इजी से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, अगर इससे भी तुम घबरा रहे हो Then my friend, you are my friend. चलो अगला बताता हूं। Next हमारे पास है reducible to normal form. लिख लो reduction to normal form. Next हमारे पास आ रहा है, ठीक है? इसका एक method कराऊंगा। वैसे तो हमें कौन सा method कब लगाना कभी समझ नहीं आएगा, तो मैं किसके लिए बताने वाला हूं। तो देखो reduction to normal form. रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या होगा? कुछ ऐसी इक्वेशन ही मिलेगी जैसी अभी मैंने दिखाई थी, y डबल डैश पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ऐसी कुछ इक्वेशन देखने को मिलेगी। लेकिन कब इसमें ये वाला मेथड लगाना है कब नहीं लगाना, उसके लिए कंडीशन है, जो कि कंडीशन हमें कुछ ऐसी दिख रही है, x इज इक्वल टू क्यू माइनस वन बाय टू डी पी बाय डी एक्स, इसकी डिफरेंसिएशन माइनस के पी स्क्वायर बाय फोर p² / 4। अगर ये हमारे पास कांस्टेंट आया तभी बात बनेगी, याद रखना ये हमारे पास कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए तभी बात बनने वाली, वरना ये बात नहीं बनेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ एक और चीज ध्यान रखना कि हमारे को टोटल जो इसका आंसर होने वाला वो कुछ ऐसा होगा इस बार यूवी टाइप का। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे यू फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है यू का। तो यू का फॉर्मूला मैं ध्यान से लिखवाना चाहूंगा, विच इज ई की पावर माइनस के वन बाय टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। बस इतनी सी दो चीजें ध्यान रखनी होंगी और हमारे सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, इससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक 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 चीज याद रखना, ये जो x है तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी y डबल डैश, ध्यान रखना फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेगी प्लस में i v y, हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा uv टाइप का, ये v यहां पे आएगा, v हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा r बाय यू, ये इक्वेशन हमारे पास बचने वाली। थोड़ा सा इसमें यार रटने वाला काम है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, रट लेना, थोड़ा सा रटना भी अच्छी बात होती है कभी कभी, समझ गए? ठीक, एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो कि कुछ ऐसे है डी स्क्वायर मतलब y डबल डैश माइनस टू टेन एक्स, देखो इसमें टेन भी आ गया, अब रॉन्सकियन में मुश्किल हो जाता है ये वाला काम, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में फाइव वाई इक्वल टू ई की पावर x सीकेंट x। अब देखो जैसे मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करूंगा ना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हट जाएगा। सबसे पहले चेक करो क्या ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, क्या कॉन्स्टेंट आना चाहिए, ठीक है? ये आ जाएगा कॉन्स्टेंट और x फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर ऐसा कुछ आना चाहिए। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू q, q यहां पे क्या दे रखा है 5 माइनस 1 बाय 2 dp बाय dx, dp बाय dx का मतलब है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव tan का होता है tan x secant x, माइनस में पी स्क्वायर बाय फोर, पी स्क्वायर मतलब इसी का ही, मैंने कुछ गलती की है ना, माइनस के टू भी आना चाहिए था, तो माइनस के टू से ये खत्म होके प्लस आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है माइनस के पी स्क्वायर बाय फोर, पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा फोर टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है मेरा, एक बार चेक कर लो, मेरा तो ये बन रहा है, मैंने कुछ गलती की है ना,
सीकेंट का होता है यार 10x into, क्या कर रहे राजन, ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब ठीक है, ये हमारे पास है 5, इसमें 4 से 4 कटेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स होता है 1, इस बार गलती नहीं करनी है, ठीक 6, x की वैल्यू आ चुकी है 6, कांस्टेंट आ रहा मतलब ये वाला अप्लाई कर देंगे। अब मुझे u निकालना पड़ेगा, u के लिए e की पावर माइनस 1/2 p tan x इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, tan x की हमारे पास होती है log secant x, माइनस 2 भी था साथ तो माइनस 2 इसको खत्म ही कर देगा, ठीक है, tan के साथ माइनस 2 भी था, तो ये होती है log secant x ठीक तो है, ये बचेगा secant x, बस खत्म हो गया, u मिल गया ना हमें, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। y डबल डैश का मतलब है y डबल डैश प्लस में x, i नहीं है वो x है, x की जगह हम रखेंगे 6, v इक्वल टू r कितना दे रखा है e की पावर x secant x इंटू में अपॉन में secant x, इससे कट गया, ये बचा y डबल डैश प्लस में 6v इक्वल टू e की पावर x, बस ये बचा, ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ये हमारे पास बच गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना होता है, ये बनता है d स्क्वायर प्लस में 6v e की पावर x, यहां से अगर मैं निकालूं तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 6 आयोटा, तो यहां से आंसर आ जाएगा c1, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी c1 cos रूट 6x प्लस c2 sin रूट 6x, ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। और इसके साथ फाइनल आंसर के लिए क्या करना होगा, u को मल्टीप्लाई कर दो v से, u ये रहा v ये रहा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक चीज और रह गई ना, इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी रह गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल रह गया, वो भी निकाल लेते हैं। पीआई कैसे आएगा, तो पीआई होता था 1 बाय डी स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में ई की पावर एक्स, विच इज 1 प्लस में 1 प्लस 6 ई की पावर एक्स, विच इज 1 बाय 7 ई की पावर एक्स। अब मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूं कुछ ऐसे, यू दे रखा है सीकेंट एक्स और वी हमारे पास हो जाएगा C1 cos root 6x plus C2 sin root 6x plus में 1 by 7 e की पावर x, that is the final answer, ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन करें इस पे, चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन हमारे को यहां पे दिखाई दे रहा है, एक तुम ट्राई कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, तो मेथड बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कोई चीज सोचनी पड़ेगी, सिंपल मेथड है और उसे अप्लाई करना है, तो कुछ ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि है, लेट मी सी, एक क्वेश्चन ढूंढते हैं, हाँ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, रुको एक मिनट देना बस, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में डी वाई बाई डी एक्स माइनस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास आंसर है। बट एक चीज बताऊं, ये जो यूवी वाला मेथड मैंने कराया ना, फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें एक इक्वेशन आती है श्रोडिंजर्स इक्वेशन, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मिस्टीरियस थिंग श्रोडिंजर्स इक्वेशन, उसको इस मेथड से सॉल्व किया जाता है, जिसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल नहीं, ये यूवी वाले मेथड से सॉल्व करते हैं उसे, पता है इतनी मुश्किल इक्वेशन है यार सॉल्व करनी, और सोचो वो भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करनी इसी मेथड से, और फिजिक्स पूरी उसी पर टिकी हुई है क्वांटम मैकेनिक्स पे, और क्वांटम मैकेनिक्स की उस एक चीज उस इक्वेशन पे, और वो इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व होता है, समझ पा रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस, बढ़िया, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे बताते हैं फिर तुम्हें, नहीं समझे तो। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है एक, कि सेट ऑफ फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अच्छा ये तो मैं बता चुका हूं वैसे,
अगर W1 निकालोगे इसका और ये नॉट इक्वल टू जीरो आया मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, इक्वल टू जीरो आया मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया, नेक्स्ट जैसे मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें लिखवाना चाहूंगा अब, ठीक है, इस पे बेस्ड, क्योंकि बहुत सारे ढेर क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे इसलिए मैं ये बातें लिखवाना चाहूंगा। एक हमारे पास है, ये चीज लिख लो, एक एबल्स फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है, ये हमारे पास बड़ा काम का होगा, क्योंकि ना कभी कभी क्या प्रीवियस ईयर में उठा के देखो जरा जैम के क्वेश्चन, तुम्हें पता लगेगा कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पे रोन्सकियन पे। तो रोन्सकियन का एक तो फॉर्मूला हमने डिटर्मिनेंट वाला देखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें कुछ ऐसी दे रखी हो सेकंड ऑर्डर, पी नॉट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डबल डेरिवेटिव, पी वन एक्स सिंगल डेरिवेटिव, पी टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये हमें दे रखा है, और हमें इसका रोन्सकियन फाइंड आउट, मान लो किसी एक पॉइंट पर रोन्सकियन दे रखा, किसी और पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करें, तो ध्यान से देखना, ठीक है, जो चीज अब बताने वाला हूं उसको बहुत इंपॉर्टेंट से दिमाग बहुत अच्छी तरह से दिमाग में छाप लेना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बात, एक मिनट दो बस। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा W का कुछ ऐसे फॉर्मूला होगा, किसी भी पॉइंट पे तुम्हें निकालना है तो वो कुछ ऐसे निकाल सकते हो, C e की पावर इंटीग्रेशन पी वन एक्स अपॉन पी नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, वेयर C इज W1 Y1 Y2 एट पॉइंट x नॉट जो भी तुम्हें दे रखा होगा, ठीक है, मतलब रोन्सकियन की वैल्यू एट पॉइंट एक्स नोट, और एक्स नोट कहां से आएगा, इंटरवल से आएगा, जो भी तुम्हें इंटरवल दिया होगा, जिस इंटरवल पे भी डिफाइन की होगी, ठीक है, नहीं भैया तो सिर के ऊपर से चली गई बात, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए इतनी देर से ढूंढ रहा हूं साथ साथ, कि मेरे को एक ऐसा मजेदार सा क्वेश्चन मिल जाए जिससे मैं इसको क्लियर कर पाऊं, जो कि मेरे को दिख गया। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, लेट वाई वन एंड वाई टू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इसका जो रोन्सकियन है वो तो जीरो नहीं आने वाला है, ठीक है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ, मैं फिर से बता दूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से रोन्सकियन वाले मेथड से बनते हैं क्वेश्चन, फिर मत कहना बताया नहीं था, ऑफ एक्स वाई डबल डैश माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और साथ में y1 जीरो मतलब पहली कंडीशन दे रखी है y1 एट जीरो इक्वल टू वन, y2 एट जीरो इक्वल टू माइनस वन, और dy by dx एट पॉइंट dy1 by dx एट पॉइंट जीरो इक्वल टू वन, मतलब तुम्हें रोन्सकियन ही पूरा का पूरा दे रखा है, और dy2 अपॉन dx2 dx अपॉन ये हमारे को दे रखा है वन, फाइंड आउट करनी है रोन्सकियन एट पॉइंट टू, ये फाइंड आउट करना है, तो भैया हमारे लिए तो बढ़िया क्वेश्चन, मार्क्स दिलवाने वाला क्वेश्चन है, तो मैं अभी इसको ही रब करूंगा, ये वाला छोड़ दूंगा यहां पे, क्योंकि तुम्हें दिखाना है कुछ। सबसे पहला काम, c की वैल्यू, पहले मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है जनरल, w की वैल्यू, w निकालने से पहले तुम पहले ये तो देख लो रोन्सकियन आ क्या रहा है, पहले c तो निकाल लो कि ये जीरो पॉइंट पर रोन्सकियन कितना आ रहा है, तो पहले W की वैल्यू निकालते हैं एट पॉइंट जीरो, तो यहां पे क्या आता है, यहां कुछ ऐसा आता है Y1 Y2 Y1 डैश Y2 डैश, ये तो बताया था मैंने तुम्हें, Y1 कितना दे रखा है, ये देखो ये रहा वन माइनस वन वन वन, ये बन जाएगा वन प्लस वन टू, तो रोन्सकियन मेरे को दे रखा टू, बढ़िया बहुत अच्छे, ये मेरे को मिल गया। उसके बाद रोन्सकियन जनरल अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार, एबल्स फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा रोन्सकियन की जनरल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो कुछ ऐसे यूज होगा, रोन्सकियन इज इक्वल टू सी ई की पावर इंटीग्रेशन पी वन एक्स, पी वन कितना दे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स स्क्वायर अपॉन में पी नॉट एक्स विच इज एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा सी ई की पावर
एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ये बचेगा माइनस के ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय टू, ऐसा कुछ बच रहा है मेरा। एक एक्स से एक्स कटेगा और टू से टू भी कट जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है। लेकिन हमें रॉन्सकियन की वैल्यू जनरल नहीं चाहिए, मेरे को तो जीरो पर चाहिए। जीरो पर वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, सी कितने आ जाएगी, सिर्फ सी, जीरो पे एक्स की जगह जीरो पुट कर दो। यहां से रॉन्सकियन की वैल्यू आ रही है जीरो, यहां से रॉन्सकियन की वैल्यू आ रही है टू, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू कितनी आ गई, टू। ठीक है, तो मेरे को अब जनरल रॉन्सकियन का फॉर्मूला मिल चुका है, टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब किस पॉइंट पे निकालना था देख लेते हैं। अब मुझे निकालना था टू पे, टू पे निकालने के लिए क्या करूं, तो इसमें टू डाल दो, टू इंटू ई की पावर फोर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बस यहां देख लेना यार, मैंने माइनस की तो नहीं कोई गड़बड़ की है ना, एक बार मैं देखना चाहूंगा इसमें मैंने कोई माइनस की गड़बड़ हाँ की है। यहां भी फॉर्मूला में भी यार एक माइनस आता है, ठीक है ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, माइनस ये प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला में भी एक माइनस आता तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मेरे को पता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी, तो मैं इस पे क्वेश्चन और भी लेके आया हूं, परेशान नहीं होना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, अब मैं थोड़ा एमसीक्यू टाइप पे चलना चाहूंगा, यह हमें दे रखा है लेट वाई वन एंड वाई टू बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ, लेट वाई वन एंड वाई टू बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ y double dash sin xy, y double dash plus sin xy, थोड़ा सा अजीब है क्वेश्चन, इक्वल टू जीरो, वेयर x इज बिटवीन जीरो एंड वन। फिजिक्स वाले होते तो इसको उड़ा देते। लेट g ऑफ x इज इक्वल टू w ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x, जनरल पॉइंट दे रखा, देन देन ए पार्ट लिखो, इसकी ब्राइटनेस ना बढ़ानी पड़ेगी, अब ठीक है बढ़िया। तो ये हमें दे रखा है जी एक्स इक्वल टू जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ऑन, ये कह रहे हैं कभी जीरो होगा ही नहीं, ऐसा भी कोई रॉन्सकियन हो सकता है कभी जीरो ही नहीं होगा, जीरो मतलब जीरो और वन के बीच में, जी डैश एक्स नॉट सॉरी लेस देन जीरो ऑन जीरो एंड वन। सी पार्ट दे रखा है जी डैश वैनिशेस वैनिश एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट ऑन 0 टू 1, और लास्ट पार्ट हमें दे रखा है जी डैश वैनिशेस वैनिश एट ऑल पॉइंट्स ऑन 0 एंड 1, एंड दैट इज इट, इतना ही था 0 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले तो हमें यहां पे जी एक्स देखो क्या दे रखा है, w y1 plus y2, तो सबसे पहला हमारा काम यह आता है कि अगर भैया हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं तो ये तो हम गारंटी दे सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आप इतनी देर से चिल्ला रहे हो, तो ये तो हम पक्का कह पाएंगे कि w जो है वो जीरो तो नहीं हो पाएगा, w इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो w ऑफ y1 कॉमा y2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो नहीं हो पाएगा ये तो पक्का, जीरो तो नहीं हो पाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो एंड वन, जीरो तो नहीं होने वाला है। इसका मतलब है ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब है विच इंप्लाइज अगर w जीरो नहीं है और g क्या है, g तो था ही w, तो ये हमारे पास w ऑफ x, x बिलोंग्स टू दिस जीरो एंड वन, इसका मतलब है g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन जीरो एंड वन, तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन मान लो ये MSQ में आ गया तो क्या करोगे, मान लो ये MSQ में आ गया तो क्या करोगे, तो हमें W का एक और फॉर्मूला पता है, e की पावर माइनस c e की पावर माइनस p1 x अपॉन p0 x dx। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये c है, थोड़ी देर के लिए क्या मान लो ये c है, अगर ये हमारे पास कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर ये हमारे पास कांस्टेंट आता है, अगर ये हमारे पास कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट होगा तभी तो ये जीरो नहीं होने वाला, वरना तो किसी ना किसी x की वैल्यू के लिए जीरो हो जाता,
मान लेते हैं अभी कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू सी, W डैश इज इक्वल टू जीरो। अब रोन्सकियन की वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है फॉर ऑल। अरे रोन्सकियन यार जी डैश ही तो है ना, तभी तो मैंने उसकी डेरिवेटिव की, W ही तो मतलब जी डैश जी एक्स जो है वो W ही तो है, तभी मैंने उसकी डिफरेंशिएशन की है, फोर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। यहां पे हमारे पास W जीरो है, इंप्लाइज जी डैश इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो ही आ रहा है हमेशा, तो जी डैश वेनिशेज एट ऑल पॉइंट्स ऑन जीरो एंड वन, तो ये हमारे पास आ रहा है। आई होप कि यार ये वाले इजी इजी से क्वेश्चन है ये हम कर पा रहे हो। लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन विच इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। क्या है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज? ये पार्ट मैंने पिछली वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है? तो जो मैंने बेसिक वाली वीडियो तुम्हें एक बार कही थी वो वाली वीडियो एक बार देख लेना, वैसे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, तो मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन सिंपल इसमें एक ही काम करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स को तुम्हें रिप्लेस करना है माइनस डी वाई डी एक्स बाई डी वाई से। रीजन क्या है? रीजन यह भैया दोनों के स्लोप क्या होने वाले हैं, अगर कभी भी स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस वन होता है तो थिंग्स आर परपेंडिकुलर, बस वही कंडीशन है यहां पे, ठीक है? और ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। अगर ये बात सुन के शोक हुए तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इफ स्ट्रीम लाइन्स ऑफ अ फ्लूइड फ्लो अराउंड अ कॉर्नर इज एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दे रखा क्वेश्चन, ठीक है? फाइंड देयर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड आउट करनी है। डिफरेंशिएशन कर दो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। यहां से हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, या फिर इसको ऐसे लिख दो डी वाई अपॉन में वाई इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन में एक्स। क्या कर रहे हैं हम? यह हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई बाई एक्स। फिर मैंने क्या कहा था, किसको किससे रिप्लेस करना है? डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस के डी एक्स बाई डी वाई से, यह आ जाएगा माइनस के वाई बाय एक्स। माइनस से माइनस गया तो ये बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बस खत्म हो चुका, इतना ही था, खत्म भैया, यही तो आंसर है। इनिशियल कंडीशन दी होती तो और भी सोचते, कुछ नहीं दिया, इतना ही था। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, अब तुम भी देख के हंस रहे होंगे भैया ये क्या कर दिया आपने, इतना छोटा सा, बस आते ही ऐसे हैं, क्या करें। फॉर फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कॉन्फोकल कॉनिक्स। अब कॉन्फोकल कॉनिक्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे दिखने वाले, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये दी हुई है इक्वेशन, मैं खुद से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? बी स्क्वायर बाय लैम्डा, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू ए, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसके ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड आउट करनी, तुम्हारी जीरो मेहनत लगती है इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, टू वाई डी वाई, पहले तो वन बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा को अलग करो, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एल। क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को लिख दो माइनस के डी एक्स बाई डी वाई। अच्छा ये तो जीरो ही होगा ना, ये हो जाएगा दिस प्लस में वन बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा टू वाई माइनस के डी एक्स बाई डी वाई, दोनों में से टू कॉमन ले लो, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा डी एक्स बाई डी वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आती होगी, dy इधर भेजो x इधर भेजो, तो ये बन जाएगा dy अपॉन में y इज इक्वल टू, वेरिएबल सेपरेबल से हो जाते हैं यार ये क्वेश्चन, ठीक है? ये हो जाएगा log y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा log x प्लस में log c। और भैया आंसर देखो इसका कितना खतरनाक आने वाला है, सोचो अगर इसको भी तुम पावर में चढ़ा दो तो अलग ही बन जाएगा ये भी, है ना? ये भी कुछ अलग ही चीज बन जाएगी फिर तो। बस खत्म हो चुका, इतने में ही आंसर आ गया हमारा, बाकी सॉल्व कर लेना। बढ़िया, अगर तुम्हें कॉन्स्टेंट एलिमिनेट करने को कहा हो तो कॉन्स्टेंट भी एलिमिनेट कर सकते हो यहां से, मतलब तुम वाई स्क्वायर की वैल्यू तुम यहां से निकाल के, कहां गया, एक्स अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के तुम इसमें वापस पुट कर सकते थे ये वैल्यू, ठीक है? फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि ये कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो जाए, बट अभी कांस्टेंट एलिमिनेशन जैसा इन्होंने कुछ कहा नहीं था। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल एंड कोएक्सियल पैराबोलास। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, इसका करना खुद से है, इक्वेशन मैं लिख देता हूं लेकिन इसको करना खुद से।
तो ये कुछ ऐसे दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x + a, ये हमारे को दे रखा है। और इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड आउट करनी है, पहले a को एलिमिनेट, अच्छा ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, खुद से ही हो जाएगा, तो इसको कर लेना, पहले a को एलिमिनेट कर लेना फिर प्रोसीड करना। ये हो जाएगा 4a, a की वैल्यू वापस डाल दो फिर करना क्वेश्चन को, ठीक है, खत्म हो चुका है बस। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 2y dy/dx x + 2y dy/dx, ठीक है, अब कर सकते हो क्वेश्चन को, बढ़िया। बस इसमें आप dy by dx जहां दिख रहा है उसको dx/dy लिख के और आंसर पुट कर देना। मान लो तुम्हें कभी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्वेश्चन दे दिया, जैसे इन्होंने कहा हुआ है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ अ कार्डियोइड, कार्डियोइड की इक्वेशन कुछ ऐसे होती है 1 - cos θ, ठीक है, इसे याद भी रख लेना, वैसे तो मैंने इंटीग्रल कैलकुलस में बताई थी अगर तुमने देखा होगा तो। इसमें अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं तो dr/dθ a cos थीटा के माइनस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, सॉरी एक नहीं दो चीजें ध्यान रखो इसमें, कि अगर r dθ/dr मतलब डी थीटा के रिस्पेक्ट में आर की करोगे तो साथ में एक आर होना चाहिए, इसको रिप्लेस करते हैं dr/dθ से माइनस के, नहीं माइनस के 1/r dr/dθ से। और मान लो अगर तुम dr/dθ निकालते हो, जैसे मैं ये क्वेश्चन तुम्हें कराने वाला हूं, इसमें तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस के r² dθ/dr से, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बढ़िया। बस अब तो हो गया, a की वैल्यू उठाओ यहां डाल दो, तो आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 sin θ dr/dθ 1 - cos θ, dr/dθ को ये लिख दो और फाइनल आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो चुका है क्वेश्चन। r इज इक्वल टू 1 sin θ, dr/dθ को तुम्हें लिखना पड़ेगा माइनस के r² dθ/dr 1 - cos θ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड मेरे ख्याल से तुम्हें आता है, और दैट इज दी, एक r से r भी कट जाएगा, ये बचेगा dr/r इक्वल टू cosecant थीटा माइनस के cot थीटा इंटू में डी थीटा, और बाहर एक माइनस भी पड़ा हुआ है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आंसर, ठीक है, तो ये हमारे पास है, बढ़िया भैया बहुत अच्छे। और ये हमारे पास समाप्ति की ओर हम पहुंचते हुए इस टॉपिक पे, ठीक, बढ़िया। बहुत बढ़िया, इस पे मैं एक छोटा सा होमवर्क तुम्हें देके जाना चाहूंगा कि तुम्हें क्या करना है, एक चीज में यार तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं, एक चीज रह गई है जिसका नाम है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर मेथड तो नहीं है फाइंड आउट करने का, कोई मेथड नहीं है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का, बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन निकालो तो कैसे करें, तो देखो कैसे करते हैं। जैसे तुम्हें एक इक्वेशन दी हुई है p इज इक्वल टू, याद है वो क्लियर आउट इक्वेशन जैसी, साइन y - xp, यह हमें दिया हुआ है, फाइंड इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन, तो नहीं कर पाएंगे भैया हम इसे, जब तक हमें क्लियर आउट इक्वेशन नहीं दिखेगी हम इस इक्वेशन को नहीं कर पाएंगे। तो दिखेगी अभी, साइन इनवर्स पी इक्वल टू y - xp, यहां से आ जाएगा y - xp इक्वल टू साइन इनवर्स, क्लियर आउट इक्वेशन। आंसर क्या आता था इसका, आंसर कुछ ऐसा आता था भैया y = xc = साइन इनवर्स सी, यह आंसर आया करता था भैया इसका, तो बस खत्म भी हो गया फिर, तो इतना ही था, खत्म हो चुका है, दैट इज इट। लेकिन एक 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 चीज, एक चीज और बताना चाहूंगा तुम्हें, क्या करो कि इसमें तुम डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू सी। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सिंगुलर सॉल्यूशन, इन्होंने कहा फाइंड आउट करो, तो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उसमें हमें कोई इनिशियल कंडीशन नहीं लानी है, लेकिन फिर भी इसमें बिना इनिशियल कंडीशन यूज किए इसको सी को हटाना है। कैसे हटाएं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी, इसकी जीरो, इसकी एक्स, इसकी 1 √ 1 - c², थोड़ा सा इसको ताम झाम को हिलाना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू 1 √ 1 - c², ये बन जाएगा 1 - c² = 1 / x² और सी
वन बाय एक्स स्क्वायर, वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और सी की वैल्यू आ जाएगी रूट में वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये सी की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो, खत्म हो गया, लो आ गया सॉल्यूशन। ये सी की वैल्यू यहां पर डाल दो, ये मिल गया सिंगुलर सॉल्यूशन। एक और करके दिखाना चाहेंगे ताकि तुम्हें थोड़ा भरोसा हो जाए, तो लिखो वाई स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें कहा है गिवन दिस इक्वेशन फाइंड दी सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें सोचो, इसको ये वाला हमें कैसे करना चाहिए, एक बार इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। पहले तो इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन कर लो, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। ये तो पूरा होल स्क्वायर बनता दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो पी एक्स माइनस के वाई होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, ऐसी तो बन रहा है यार, देखना ये बन जाएगा पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इधर जाकर रूट बनेगा तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस माइनस रूट में एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चेक करना यही आ रहा मेरा, तो यही आ रहा भैया, एक बार चेक कर लो, यही आ रहा भैया। रिप्लेस पी बाय सी, अब तुम सोच रहे हो ये क्यों कर रहा हूं, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू पी सी प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, ये गया यहां बचेगा पी प्लस माइनस वन बाय रूट में एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ऊपर टू सी, खत्म हो चुका, सी की वैल्यू निकाल लो। सो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा, हमने सारी चीजें कर लिया, मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया। सिंगुलर सॉल्यूशन पे एक आध क्वेश्चन कोई रह गया है तो वो पिछले वाले वीडियो से कवर कर लेना, दोनों वीडियो ही मंजिल सीरीज के प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाने वाली है। आज हमारी मंजिल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है फाइनली, अब तुम उसको पूरा यूज कर सकते हो, जितना उससे बार 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 पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हें और समझ आने वाला है और चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। बस अब मेहनत की बारी है, अब तुम्हारी टर्न है मेहनत करने की, मेरी साइड से डन है। अब प्रैक्टिस सीरीज आने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहना इतनी ढेर सारी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।